डायरेक्शन एनालिसिस, जो टॉपिक छूट जा रहा है उसको टेंशन नहीं लेने। जैसे एक बच्चा फर्स्ट क्लास में फेल हो गया और उसको कोई जुगाड़ बता दे कि तू डायरेक्ट दूसरी में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा, वो फेल नहीं होगा। तो जो सेशन रह गया ना, उसको एक बार बोझ ना मानते हुए आगे चलते हैं, और जो रह जाएगा अगर वो मिलना होगा तो मिलेगा। और कोशिश मेरी यही है कि सबसे कुछ भी रखा ना जाए, दिया जाए। वेबसाइट पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है इस समय, और उस लायक मैंने वेबसाइट बनाई नहीं थी। मैं थोड़ा सा अंगूठा छाप हूँ डिजिटल चीजों के लिए, तो इसलिए शायद बाकी कोशिश जारी है कि हम सबको हर चीज पूरे मन से और पूरी मात्रा में दें। व्हाट इज डायरेक्शन एनालिसिस, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? ये जो डायरेक्शंस हैं, मोटे मोटे तौर पर ये 8 डायरेक्शंस, इन डायरेक्शंस में जब भी आपको जाना हो तो एक एनालिसिस जरूरी है कि क्या आज मुझे उस डायरेक्शन में जाने से फायदा होगा कि नहीं होगा। अब जो लोग बोलते हैं कि वास्तु सिर्फ घर तक सीमित है, तो वो घर तक सीमित नहीं है, वास्तु बहुत बड़े लेवल पर है। जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना हो, उस डायरेक्शन में कुछ दिनों में जाया नहीं जा सकता, नहीं तो काम खराब होते हैं, उल्टे हो जाते हैं काम, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बनते नहीं। कौन सी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, कौन से दिन? नॉर्थ में मंडे को नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए। आप लोग लिख सकते हैं इस बात को, नहीं तो ये वाला चार्ट हम आप लोगों को डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। मंडे को नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए, ट्यूसडे को नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना चाहिए, ट्यूसडे को सॉरी ईस्ट में नहीं जाना चाहिए, थर्सडे को नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दोनों में नहीं जाना चाहिए, ट्यूसडे को फिर साउथ ईस्ट में भी नहीं जाना चाहिए, फ्राइडे को साउथ में नहीं जाना चाहिए, संडे को साउथ वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, वेडनेसडे को वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, सैटरडे को नॉर्थ वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए का मतलब क्या है? नहीं जाना चाहिए का मतलब ये है कि जब आप अपने घर से निकल रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए, आपका ऑफिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उस बात की बात नहीं है। जैसे कोर्ट में डेट है, घर से फ्लाइट पकड़कर किसी दूसरे शहर में जाना है, या फिर कुछ भी ऐसा काम जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर स्पेशली अरेंज किया गया है, आपके ऑफिस से एक आपकी कोई स्पेशल मीटिंग अरेंज करी गई हो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। सो नॉर्थ का एग्जांपल लेता हूं, सपोज मुझे मंडे को नॉर्थ में जाना है, जहां पर मेरा घर है, वहीं से गूगल मैप्स निकाला और टेंटेटिवली नॉर्थ देख लिया। अगर मैं नॉर्थ में जाऊंगा तो दिक्कत आएगी काम करने में, काम बनने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंडे को जल तत्व बहुत हावी हो जाता है, बहुत हैवी होता है, और नॉर्थ दिशा जल तत्व की है, तो उस दिशा में जाने से सिर्फ जल तत्व ही हावी रह जाता है और काम नहीं बन पाते। और बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एलिमेंट जब बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये नहीं जाना चाहिए, अगर जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? नॉर्थ जो कि वाटर एलिमेंट का है, उसका एंटी एलिमेंट या उसका डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट क्या है? आपको वो पहन लेना है या अपने पास रख लेना है किसी भी फॉर्म में, चाहे रुमाल की फॉर्म में हो, चाहे कोई और कपड़ा हो, या कोई कागज हो, कोई भी रख लेना। सो मंडे को अगर नॉर्थ में जाना है तो पीले कलर का इस्तेमाल आपको करना है। आप ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ग्रीन भी नॉर्थ को कमजोर करता है, वीक करता है, तो वो भी बैलेंस करने का काम करेगा। मोटे मोटे तौर पे येलो। इसी तरीके से हर डायरेक्शन में अगर जाना पड़ जाए
तो उसका एंटी एलिमेंट, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट ले लोगे जो उसको कमजोर करता है, तो वो यूज करके आप जा सकते हो, पर कोशिश कीजिएगा, जाइएगा नहीं। अब ये जब चार्ट आपको मिलेगा, नॉर्थ को, मंडे को नॉर्थ में नहीं जाना, ये नहीं जाने का चार्ट है, मंडे को नॉर्थ में नहीं जाना। अगर जाना है तो इस पे हमने कलर लिख के दिया है मंडे, आप उस मंडे को जा सकते हो, और कलर क्या है, येलो लिख के दिया है, तो आप ये अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये येलो लिख के दिया है हमने, तो येलो कलर के कपड़े पहन के आप जा सकते हैं। सेम वैसे ही थर्सडे को नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना, अगर जाना हो तो येलो या ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हो, क्योंकि वो उसको वीक कर देते हैं। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आप मंडे को किसी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं जाने के लिए, तो आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन को चूज कीजिए, दैट इज साउथ। अगर आप मंडे को अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, तो अपने ऑफिस से या अपने घर से साउथ डायरेक्शन की तरफ चूज कीजिए, वो और भी बेहतर हो जाएगा। जैसे ही वो रिप्लिका होता है, वो बेहतर हो जाता है। जैसे ईस्ट में नहीं जाना, तो वेस्ट में जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा। फ्लाइट पकड़नी है, कुछ भी करना है, तो इस तरीके से डायरेक्शन एनालिसिस का यूज किया जा सकता है। अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि आप बच जाएं, ताकि आप सामने वाले को या अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल बना सके। आगे आज का जो टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ एंड वास्तु। हेल्थ एक अल्टरनेटिव नहीं है, अगर मैं बात करूं, वास्तु एक अल्टरनेटिव नहीं है हेल्थ के लिए, या यूं कहा नहीं जा सकता कि आपको कोई बीमारी है तो वास्तु सही करने से वो सही हो ही जाएगी। पर हां, बहुत सारे रिजल्ट्स में 100% रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे केसेस में साफ साफ देखने को मिला, यहाँ पर ये होने की वजह से ऐसा उनके साथ हो रहा है, उनको शिफ्ट कराओ, टॉयलेट ट्रीट करो, ये सब सही हो जाएगा। तो वास्तु का रोल बहुत बड़ा है, एकमात्र नहीं है। आपके सलाहकार, आपके डॉक्टरों की हेल्प हमेशा आप लोगों के साथ में होनी चाहिए, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। आगे, कैसे मैप करते हैं वास्तु और हेल्थ को, ये वाली स्लाइड्स भी आप सभी लोगों को मिल जाएंगी। कफा, कफ, वात, पित्त और कफ, ये तीन एलिमेंट में से जो एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, उसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कफा के जोन्स हैं नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईएनई, और ईस्ट में आकर ये खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटे मोटे तौर पर आइडिया। कफा के जोन्स वाटर वाले हैं, प्लस थोड़ा सा एयर भी उसमें है। तो जब भी किसी इंसान को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, कफा के दोष होंगे, तब ये दिक्कत आएगी। कोई कहता है कफ कम है, बॉडी के अंदर कफ की मात्रा कम हो चुकी है, तो क्या होगा, बार चार्ट में वाटर जोन्स कम होंगे। कोई कहेगा कि कफ की मात्रा बढ़ी हुई है, तो बार चार्ट में कफ के जोन्स बड़े हुए होंगे। कफ के जोन्स का मतलब, अगर आप इन सभी जोन्स का टोटल कर लो, और फिर वात वालों का कर लो, और फिर कफ वालों का कर लो, और पित्त वालों का कर लो, अलग अलग, और जो सबसे ज्यादा आए, तीनों का एक एवरेज निकाल के जो सबसे ज्यादा है वो बड़ा हुआ है, जो उनमें से सबसे कम हो वो घटा हुआ है, इस तरीके से वात के पित्त कफ की ओवरऑल वैल्यू समझ में आती है। अगर वात के जोन्स में प्रॉब्लम होगी, तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ,
में टॉयलेट होगी तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगे। कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी बीमारी आपको हो उस बीमारी को सर्च कीजिए आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल पे, वो वात पित्त कफ में डिस्क्राइब करती हुई आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि इस जोन के कारण ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर रेड कलर होगा तो कफ के कारण जो आपके शरीर से पानी खत्म हो जाता है, आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, आपका चार्म खत्म हो जाता है, जो पानी शरीर में पानी सूख जाता है, ये सभी प्रॉब्लम आएंगी। जो सुन सुनाहट की प्रॉब्लम आपके बॉडी में होती है ये पानी कम होने की वजह से होती है। इसमें अगर टॉयलेट होगी तो पानी वाला जोन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में उस टॉयलेट के कारण ऐसा होगा, क्योंकि वो आकर्षण को कमजोर कर रहा है। वो आपके शरीर से, आपके शरीर को नुकसान नहीं है पर वो बात नहीं है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर होगा तो उसी जोन के एट्रीब्यूट्स लेकर आपकी लाइफ में पानी कम होने की वजह से, कफ कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगी, हालांकि ये सब जोन्स हेल्थ के लिए नहीं है, मोटे मोटे तौर पर देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आएगी कि कर्म नहीं कर पाएगा इंसान, कर्म में बाधा आएगी, हेल्थ भी कमजोर हो जाएगी। कई लोग आपने सुना होगा हिम्मत बहुत है कर्म करने का, मन नहीं करता, शरीर ढीला लगता है, शरीर कमजोर लगता है, थकावट लगती है। नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगी तो ऐसा होगा, क्योंकि कफ बिगड़ गया है नॉर्थ में। एनवी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि कफा ही बॉडी में सबसे ज्यादा है, जैसे 72% वाटर है, इसलिए वहां पे टॉयलेट होने से सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप लोगों की लाइफ में आते हैं। ईएनवी में टॉयलेट होगी तो रिप्रोडक्शन साइकिल में, बच्चों को जन्म देने में, प्रजनन में प्रॉब्लम्स होती है, लाइफ में हैप्पीनेस की कमी रहती है। हेल्थ इश्यूज की बात करो तो मन के अंदर शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, मन चंचल हो गया, मन के अंदर उदासी है। खेल कूद में कई बच्चे बैठे हुए देखे होंगे जो साइड में चुपचाप बैठे रहते हैं, क्या कहेंगे उनको कि उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। दवाई मैसेज आ लो, ईएमई पे हम बात कर रहे थे। अभी आवाज नहीं जाएगी, क्या मेरी आवाज जा रही है? चलो तब तक के लिए एक स्टोरी। कल परसों मेरे पास एक फोन आया। इंट्यूशंस क्या है, कैसे डेवलप होंगी,
जिन लोगों ने मेडिटेशन कर लिया उनको एक्सपीरियंस मिला होगा कि इंट्यूशंस कैसे डेवलप होंगी। उसने बोला क्या फर्क है जी, इंट्यूशन इंट्यूशन के तो कोर्सेज होते हैं, लाखों रुपए के क्वेश्चन होते हैं, हमें ये दिखाया जाता है, हमें वो दिखाया जाता है, हमें सब कुछ दिखा दिया जाता है, तो क्या अनोखा है, क्या अलग है। तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई। एक बार एक इंसान एक इंट्यूशन दिखाने वाले के पास चला गया और वो था अड़ियल। जब वो उसके पास गया, उसने जाके बोला कि भाई साहब मैं कैसे मान लूं कि आप इंट्यूशन दिखा सकते हो, पहले आप ये बताओ कि मेरा बाप का नाम क्या है, वो इस समय क्या कर रहा है, तब तो मैं मानूं कि इंट्यूशन होती क्या है। सामने वाले को बड़े सालों का एक्सपीरियंस था, यही काम कर रहा था, बड़े बड़े कोर्सेस थे इंट्यूशन डेवलपमेंट के, इंट्यूशन से कुछ भी दिखा देने के, ये दिखा देने के, वो दिखा देने के। सामने वाले ने भी बता दिया कि तेरे पिताजी इस समय ऋषिकेश में गंगा के किनारे दंडासन लगाकर बैठे हैं, चंदूलाल फुफड़लाल नाम है उनका। ये बंदा दिमाग सनक गया, कहता कुछ भी बकवास करते हो, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुए तो 5 साल हो चुके हैं और वो इस समय स्वर्ग का आनंद भोग रहे हैं। सामने वाले ने पलट कर जवाब दिया कि शायद आपने क्वेश्चन गलत पूछा, आप क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से पूछिए और मैं भी ध्यान लगाकर आंखें बंद कर बैठ जाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ। उसने इस बार क्वेश्चन पूछा कि मेरी मां का पति इस वक्त कहां है। तो उसने बोला कि तुम्हारी मां का पति का नाम ये और वो पिछले 5 साल से उसका स्वर्गवास हो चुका है और वो इस वक्त स्वर्ग के आनंद भोग रहा है। उसने बोला ये क्या तुम्हारी बात हुई, गुस्सा आ गया इस बात को सुनकर, तू बोलना क्या चाहता है बे, मेरा बाप अलग और मेरी मां का पति अलग, क्या तू मुझे मूर्ख समझता है। इंट्यूशन जागृत करने वाले ने बोला, फिर से आंखें बंद करी बोला कि भगवान आदेश दे रहा है कि एक मूर्ख को तो मैंने पैदा ही कर दिया, कि तू उसको क्या और मूर्ख करेगा। इंट्यूशन डेवलपमेंट आपके अंदर जो कॉन्शियसली सेव्ड है उसको देखना, अपनी बॉडी से कुछ टूल से, वो इंट्यूशन है। डेवलपमेंट तो एक नाम है, हम दिखाते हैं, देखते तो तुम हो ही, आप लोगों को देखना आ नहीं रहा, बॉडी के सिम्टम्स को पकड़ना नहीं आ रहा, ये इंट्यूशन का पार्ट है। एक डॉक्टर को इंट्यूशन हो जाती है जब कोई मरीज खांसी लेता है तो ये खांसी कौन सी बीमारी की है। एक इंजीनियर को एक मशीन के एक पेच खड़कने से इंट्यूशन हो जाती है कि ये वो वाला होगा, इसकी वजह से ये दिक्कत है। एक पेंटर को एक पेंटिंग में साफ दिखाई देता है कि यहां पर इस स्ट्रोक की कमी है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। एक वास्तुविद को किसी की बात सुन लेने से पता लग जाता है कि उसके घर में इस कॉर्नर में क्या दिक्कत है। बात यह है कि आप सब अपने माइंड को देखना नहीं जान रहे, अपनी बॉडी को देखना नहीं जान रहे। सिर्फ इतनी सी ही इंट्यूशन है, कॉन्शियस लेवल पर जितने भी चीजों को आपने ऐड किया अपने दिमाग में उसको देख लेना। अगर वाकई में सिर्फ इंट्यूशन इंट्यूशन होती तो वास्तु वाला एक डॉक्टर की जगह दवाई भी दे सकता था आंखें बंद करके, किसी के बाप का, किसी की मां का, किसी के बच्चों का नाम बता सकता था आंखें बंद करके। पर होता ऐसा क्यों नहीं है? होता ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल के बीच का गेम है इंट्यूशन। हर किसी को अगर सेम इंट्यूशन होती तो कोई भी जिसकी इंट्यूशन जागृत है वो इस समय कहीं पर भी कुछ भी होने वाली बात बता सकते थे। अगर वाकई में इंट्यूशन होती
डेट्स निकल जाती है अभी तक कि कोरोना इस दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक इंसान नहीं बचेगा, अगर वाकई में इंट्यूशन होती। कोर्सेज पैकेजेस बना बनाकर देना आसान है। आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत वैल्यूबल था, तो बताना फर्ज बनता था। इंट्यूशन इस फील्ड के लिए जो आपने कॉन्शियस ज्ञान, कॉन्शियस मेहनत की है, अपने रिजल्ट्स देखे हैं, अपने काम किए हैं, वो कब सेम तरीके से ये प्रॉब्लम उसको हर्ट कर रही है, ये आपको कितने मिनिमम टाइम में पता लगेगा, ये इंट्यूशन है। कितना मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, आपकी बॉडी का कौन सा सिग्नल क्या बात कहना चाहता है, ये इंट्यूशन है। नहीं तो सब लॉजिक है। बहुत सारे लोग, मैं कई जगह पर सेमिनार्स करता रहता हूं, जाता हूं, और अपने आप को इंट्यूटिव भी बोला, बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा, लेकिन कुछ और बात क्यों दिमाग में नहीं आती जब कोई क्वेश्चन पूछता है वास्तु के सिवा। सबसे बड़ी बात ही यही है कि आपने पूरी जिंदगी इस माइंड ने जितने भी जन्म आज तक लिए, उन सभी का जो डेटा इकट्ठा कर रखा है, उसका बेयर मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम क्या है, जिसके बेसिस पे आप तुरंत आंसर कर सको, ये इंट्यूशन है। वो फीलिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं प्लॉट सेलेक्ट करने गया तो मुझे लगा कि यहां पर किसी की डेथ हुई है, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा है, मैंने ऐसे केसेस किए हैं, वो मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे कॉन्शियस में, दोनों में अलाइंड है। तब जाके उस प्लान को देखते हुए, उस प्लॉट पर जाते ही वो फीलिंग्स जनरेट हुई जो मैंने कॉन्शियसली डेवलप करी थी। आप सभी ने गुलाब सूंघा होगा, गुलाब स्पर्श किया होगा, उसको देखा होगा। मैं आप लोगों को अभी बोलूं कि आंखें बंद करो और गुलाब के बारे में सोचो, तो वो आपको दिखेगा, आप सूंघ पाओगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे फ्रूट की बात कर दूं, ऐसे फल की बात कर दूं, ऐसे फ्लावर की बात कर दूं जिससे आप कभी मिले नहीं, जिसको कभी आपने देखा नहीं, तो क्या आपका दिमाग उसको देख पाएगा, सोच पाएगा? अगर इंट्यूशन होती तो सोचता और बताता। इंट्यूशन यही है कि जो परफ्यूम बनाने वाला है, जो टेस्टर है, जो स्मेल चेक करता है परफ्यूम की, वो हर फूल को सूंघ के बता दे कि ये उस स्मेल जैसा है। एक खाना खाने वाला खाने में क्या डाला है ये टेस्ट करके बता दे कि ये उस जैसा है। और वही इंट्यूशन है जब कोई एक बढ़िया शेफ से आप मिलो, उसके सामने एक बंद डब्बे में कोई सब्जी बन के आए और वो दूर से बता दे कि ये सब्जी है, तो आप उसको चमत्कार समझोगे, आप उसको इंट्यूशन समझोगे। वो उसके कॉन्शियस लेवल का ज्ञान है और सबकॉन्शियस का रिस्पॉन्स टाइम है जो मिनिमम है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंट्यूशन। आदत है लोगों को अच्छे अच्छे जगह पर जाकर धक्के खाने की, खाएंगे, आगे भी खाते रहेंगे, मैंने भी खाए, पर वाकई में सोचो, समझो। एक मां को इंट्यूशन होती है कि इस वक्त मेरे बच्चे को भूख लगेगी, इस वक्त वो भूखा होगा। क्या अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ये इंट्यूशन उसके अंदर थी? ये सब फिक्स्ड है, जो भी कॉन्शियसली आप लोगों ने बुना, जो इकट्ठा किया और उसको देखना सीखा, फिर किसी टूल के सहारे से आप उसको देखते हो, अपनी बॉडी के सहारे से देखते हो, कई बार बिना टूल के आप लोगों को देखना वो आ जाता है। सो ये इंट्यूशन है और इसकी प्रैक्टिस की जाती है।
कई लोगों को मैंने देखा कुछ भी बोलते हुए, कुछ भी इंट्यूशन के नाम पे बकड़ बकड़, और कुछ भी ऐसा दिखा दिया जो कभी आपने देखा नहीं, तो अब मानने के सिवा कोई और चारा ही नहीं, कोई और बात बचती ही नहीं, और मान के बैठ गई हाँ ऐसा हुआ होगा। पर इंट्यूशन में हुआ नहीं होता, होता ही है, क्योंकि वो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों के मिलन का गेम है। आगे बढ़ते हैं, कफ। कफ में ईएनई के बारे में आप लोगों को बता रहा था। ईएनई से पूर्ण जन्म, रिप्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्णता में देखा जाता है। तो ऐसे हेल्थ इश्यूज होंगे स्पेशली लेडीज को, जिससे बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है। कफ की कमजोरी है, कफ की वीकनेस है ये, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, देवताओं के एट्रीब्यूट्स अलग से हैं, जैसे ईएनई के देवता का नाम ही प्रजन्य है। प्रजन्य को जन्म देने के लिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे पहले अगर किसी के घर में ईएनई में दिक्कत होती है तो वो सोल्व करवाई जाती है बच्चों की सुख के लिए, बच्चों के लिए। ईस्ट में अगर दिक्कत होगी, एंटी एलिमेंट होंगे, यहां पे पित्त स्टार्ट होना शुरू हो गया है इस कॉर्नर से। ईस्ट को हाफ हाफ डिवाइड कर लोगे तो आधा, ईस्ट को हाफ हाफ डिवाइड कर लोगे तो आधा कफ है और आधा पित्त है। तो इसमें दोनों की ही प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है। मेजरली एक कफा का ही एक जोन है, कफा का ही एक डायरेक्शन है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको डर लगना स्टार्ट होगा, आपको बहुत ज्यादा डरावना फील होगा, हमेशा एक किसी ना किसी चीज का भय, पब्लिक का भय, मार्केट में जाने का भय, कर्म करने का भय, ये माइंड के अंदर एक भय घर कर जाएगा अगर ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। डायरेक्टली हेल्थ इश्यू से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली है, तो फिर आप किसी से मिल नहीं पाओगे, फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। कोई भी बीमारी आपको हो, कोई भी, उसके बारे में गूगल पर सर्च कीजिए और लिखिए कि ये किसके कारण ऐसा होता है, वात बढ़ने के कारण, पित्त के कारण, या कफ के कारण, या किसी के कम होने के कारण, क्योंकि एक जब बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है। तो किसके कारण ये बीमारी है, आपको उसी में से किसी जोन पर, किसी डायरेक्शन पर काम करना है, और फिर वो आपकी बीमारी काफी हद तक हेल्प मिलती है दूर होने में। वात, एक बार इसकी अगली स्लाइड। पित्त, कफ के बाद पित्त के जोन्स हैं, या पिता के जोन्स हैं। ईस्ट से जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टार्ट होता है, ईस्ट से जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टार्ट होता है, हाफ हाफ इसको हम ले सकते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन को हाफ हाफ कर लीजिए। सो यहां से पित्त स्टार्ट हो जाता है, यहां पे प्रोमिनेंट, और फिर यहां पर आकर कम होता चला जाता है। सो पित्त से रिलेटेड सबसे पहली प्रॉब्लम होती है खाने के पचने की। तो जब भी साउथ साउथ वेस्ट में खाना रखा होता है तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। अग्नि वीक हो जाती है, खाना पच नहीं पाता। साउथ साउथ वेस्ट में दिक्कत होती है तो आपकी बॉडी का डिस्पोजल सिस्टम वीक हो जाता है।
ईस्ट साउथ ईस्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि खाना खाने के बाद जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसके, या ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, इनके तालमेल से आपको शुगर या डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होती। सो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर लूप होल होता है, अगर दिक्कत होती है, स्पेशली फायर ही प्रेजेंट हो जाती है, तो अग्नि बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि ये अग्नि का बहुत ही छोटा सेंसिटिव स्टार्टिंग पॉइंट है पित्त का, अगर यहां से स्टार्ट हुई अग्नि में आपने और अग्नि डाल दी और रेड कलर भर दिया, तो डायबिटीज होती है। वहां पर आग लगाओगे तो डायबिटीज होगी, वहां पर चूल्हा लगाओगे तो डायबिटीज होगी, क्योंकि खाना जब बनता है उसको एक मध्यम आंच चाहिए, ना उसको बहुत तेज चाहिए ना उसको बहुत कम चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट कम होगा तो बीपी की प्रॉब्लम्स आएंगी, ईस्ट साउथ ईस्ट ज्यादा होगा तो भी बीपी की प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट आपकी बॉडी के फ्लूइड्स के लिए काम करता है, साउथ ईस्ट आपके पूरे पाचन तंत्र के लिए या पित्ताशय के लिए, अग्नाशय के लिए जो हम बोलते हैं, जो खाना पचाने के लिए जुम्मेवार एक ग्रंथ है, जहां पर जाकर आपके खाने से आपकी बॉडी को अग्नि मिलती है, कर्म करने का इनिशिएशन का मौका मिलता है, जब आपको ताजगी मिलती है, वो साउथ ईस्ट से देखी जाती है। साउथ ईस्ट में अगर दिक्कत होती है तो स्किन के इश्यूज होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अग्नि आपकी बॉडी की जो स्किन की लेयर है, ये वाटर और फायर का मिश्रण, इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वाटर बॉडी में कम होगा तो स्किन सूखती है, इसलिए मैंने बोला था कि आकर्षण कम होता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कम होने से स्किन सूखनी स्टार्ट होती है। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने से स्किन में जलन, जिनके हाथों पैरों में जलन की शिकायत होती है, जिनके हाथों पैर जलते हैं, ये अग्नि यहां पर इंबैलेंस हो जाने से हाथ पैरों में जलन की शिकायत होती है, या कई लोग आपने सुने होंगे जिनके पेट में हमेशा एक जलन रहती है, वो साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम के कारण होती है। साउथ साउथ ईस्ट ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आपके आपकी इम्यूनिटी, आपको बैलेंस रखने वाला, आपके खून को बैलेंस रखने वाला, तभी वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप बैलेंस स्टेट में। साउथ साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने से आपकी इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आप में हिम्मत नहीं रहती। साउथ में वीक होने से नींद ना आने की, इंसोमिया टाइप्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। साउथ में टॉयलेट होने से ऐसी प्रॉब्लम होती है। साउथ में कोई भी इंबैलेंस होगा तो नींद की, रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी ये भूल जाती है कि उसका रिलैक्सिंग टाइम क्या है। इसे कई लोग आपने देखे होंगे, वो अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर रेस्टलेस फील करते हैं। जैसे रात को 10 बजे सोने का टाइम है तो 2 घंटे नींद ही नहीं आई, या 9 बजे बहुत सारी नींद आनी स्टार्ट हो गई, एक टाइम क्लॉक फिक्स नहीं हुई, और कहीं पर जा रहे हैं तो रेस्टलेस फील करते हैं, ताजगी नहीं है। ये साउथ से, और साउथ साउथ वेस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि खाने के लिए आपकी बॉडी में, पचाने के लिए कितना डिस्पोजल आपकी बॉडी से बाहर जाएगा और कितना आपकी बॉडी में रहेगा, इस बात की प्रक्रिया के लिए साउथ वेस्ट देखा जाता है। तो जिन भी लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो साउथ साउथ वेस्ट से देखी जाती है। आगे सो कफ और पित्त के बाद आया वाता। वाता के जोन्स क्या हैं? वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो वाता से देखी जाती है। वायु की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है माइग्रेन, वायु की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सिर में दर्द होना,
गैस में, बॉडी में गैस बन जाना, सिर में दर्द होना, कुछ सूझना ना, एंजाइटी होना, ये सब वात की प्रॉब्लम है, वात भर जाने की प्रॉब्लम। सो ये सभी जोन्स जो वाता के हैं, ये वात की प्रॉब्लम देते हैं। साउथ वेस्ट में कैसे देंगे, बॉडी में ऐसा कोई खाना रह जाना जिसकी वजह से डिस्टरबेंस बॉडी के अंदर वायु भर जाएगी या कम हो जाएगी, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, लंग्स इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर की प्राण वायु का पहला फिल्टर लंग्स है, लंग्स की प्रॉब्लम आती है। वेस्ट में होती है तो खाना मैनिफेस्ट नहीं कर पाता कि कौन सी बॉडी में कहां पर खाना लगना है, ये मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, कहां पर वो जाकर अपना रोल दिखाए, दवाई जब खाओगे वो कहां पर जाकर लगे, ये फिक्स नहीं हो पाता अगर वेस्ट में प्रॉब्लम होती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इन जनरल डिप्रेशन देता है, पास्ट की थॉट्स में लेकर डूबा रहता है ऐसा इंसान, और नॉर्थ वेस्ट वात से रिलेटेड स्किन के इश्यूज। वात से रिलेटेड स्किन के इश्यूज क्या होंगे, पिंपल्स होना, स्किन कटी होना, ये सब वात से रिलेटेड इश्यूज हैं। और आप सर्च कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको इंटरनेट पर, ये याद करने लायक विषय नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको सिर्फ ये जोन्स वात पित्त कफ के हैं ये पता हो, और आप इंटरनेट पे चेक कर पाए कि बीमारी किस वजह से है और आप उसको देख पाए। एक बार जूम लगाओगे, मैं डाउट्स पहले वाले क्लियर करके आगे मर्मा पे बढ़ेंगे। संदेश वर्मा जी से मैं बात करना चाहूंगा। संदेश वर्मा जी, दिस इज अवेयरनेस नॉट इंट्यूशन, इंट्यूशन इज अ नॉलेज टू नो विच इज प्रेजेंट समवेयर इन द वर्ल्ड और कैन बी हैपनिंग इन फ्यूचर। कहां पे है संदेश जी, हैं बात कर पाऊंगा इनसे? हेलो, कहां पर हैं मैं? संदेश जी, क्या आपकी वीडियो ऑन हो सकती है? कोई बात नहीं, अगर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, आप ऑडियो पे बात करें, ये अवेयरनेस है, इसमें कोई भी गैप नहीं। अगर इंट्यूशन किसी का फ्यूचर बता सकती है तो कौन इंट्यूटिव इंसान को आप जानते हो जो मेरे को ये बता दें कि मेरे परदादे का नाम क्या था? इट कैन बी डिसाइडेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर इंट्यूशन काम करती है तो कोई ये बता दे कि कोरोना की आखिरी डेट क्या है, अगर वाकई में ये इंट्यूशन है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जितने भी लोगों को मैंने सुना देखा, आप किसी को कोट करके बोल सकते हैं, जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने ये बात बोली, आप कोट करके बोलिए, फिर मैं बताऊंगा कि किसके पास इंट्यूशंस हैं वाकई में जो ये बता सकते थे, और वो मिलते कहां हैं। सर आपकी आवाज में बहुत गड़बड़ है, आई थिंक आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है, तो हम बात करते हैं। और जी, जो बीमारियां लिख रहे हैं उस बीमारियों पर मैं एक बार, ज्यादा मैसेजेस मत कीजिए, मैं पहले अभी तक के जितने मैसेजेस आ गए उनके रिप्लाई करता हूं, अगर किसी के रिपीटेड ना हो तो फिर आगे के मैसेजेस करिएगा, क्योंकि आगे वाला टॉपिक के बाद डाउट का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मर्म स्थान एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। लो आगे बढ़ते हैं। जी संदेश जी, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आई, तो मैं अभी के लिए सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से इंट्यूशन ये है, अगर इस बात को मैं खत्म करना चाहूं यहीं पर, मेरे हिसाब से इंट्यूशन ये है, आपके हिसाब से ये अवेयरनेस है,
तो मेरे को अवेयरनेस दिलवानी ही आती है, इंट्यूशन दिलवानी नहीं आती. आई एम सॉरी, जो मेरा कोर्स है इंट्यूशन वाला, उसको हम मेरे हिसाब से इंट्यूशन और आपके हिसाब से अवेयरनेस प्रोग्राम नाम दे दें. अपना अपना एक्सपीरियंस है, मेरे को आज तक ऐसा कोई नहीं मिला, सुना बहुत, कोई नहीं मिला जो ये बता दे ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, वो एक अलग बात. चलो अभी अभी के लिए आप लोग एक बार अपने कमेंट्स नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, मैं सभी के रिप्लाई करता हूं ताकि बीमारियां फिल्टर हो जाएं, किस वजह से होती हैं, किस जोन की वजह से होती हैं, आप लोगों को पता लग जाए. कहां से स्टार्ट हुआ? True, I have experienced this problem of repeated miscarriage in Northeast. जी, जी पूनम जी, बिल्कुल. ENE में क्या करते हैं सर? मैं, मेरा तो ड्रॉइंग रूम है जी. ENE में क्या करते हैं? मुझे नहीं समझ में आया. ईस्ट में सेप्टिक टैंक हो तो, सेप्टिक टैंक इज एज सिमिलर एज टॉयलेट. तो जो टॉयलेट के वहां पर है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी. ईस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि इंसान फियरफुल हो जाता है, फियर भर जाता है उस इंसान के अंदर अगर ईस्ट में सेप्टिक टैंक होता है, टॉयलेट होती है, पब्लिक फियर, किसी से मिलने का फियर, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं अगर होता है. दिस इज अवेयरनेस. हाँ, होगी बात इस पे. डन. वीडियो प्रॉब्लम सुशील नेगी जी को है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बता दीजिए. मुझे ये दे दो, ये हट सकता है क्या? इसको हटाओ. वीक हो गया ये. ओके, सो हमने बात करी ओबेसिटी के लिए, बताइए. ठीक है, यही पहला कमेंट है संदीप जी. प्रभु जी ओबेसिटी के लिए बताइए. ओबेसिटी के लिए मैंने बताया साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है, जहां पे अभी बात की स्टार्टिंग हुई है. और हाँ, जहां से बात की स्टार्टिंग हुई है, ओबेसिटी उसी के कारण होती है, साउथ वेस्ट के कारण. सर जॉइंट पेन किस डायरेक्शन से होता है? अभी आगे मर्मा एक टॉपिक आएगा हमारा, उसमें आप लोग इसको देख पाएंगे कि जॉइंट पेन का कारण क्या है. सर बात को लेकर एक बार एक्सप्लेन की, बात को लेकर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. माइग्रेन विच डायरेक्शन प्रॉब्लम, बात के कारण प्रॉब्लम है माइग्रेन की. इन जनरल बात करी जाए, बात वायु के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है माइग्रेन की. और साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट इन जनरल रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेन के लिए. जैसे बॉडी प्रॉब्लम कौन से पार्ट से आता? बॉडी में क्या प्रॉब्लम सर? स्पाइनल प्रॉब्लम प्रॉब्लम का मर्म स्थान, उस पे हम आगे बात करेंगे. सर इन एनी जोन वेयर टू दोष मैच लाइक पिट एंड गॉट, देन इट कुड बी एनी हेल्थ इशू रिलेटेड टू वर्क. यस, ड्यू वाले जोन्स में जो स्टार्ट, जहां पर खत्म हो रहा है उसके ज्यादा सिम्टम मैच करते हैं, स्टार्टिंग वाले के इतने ज्यादा नहीं करते. मतलब अगर मैं बात करूं कि ईस्ट साउथ ईस्ट में कफ खत्म हो रहा है तो कफ के ज्यादा दिखाई देंगे, पित्त के कम सिम्टम्स मैच होंगे. विच डायरेक्शन वी शुड नॉट गो ऑन फ्राइडे? साउथ. सर एक्सटेंशन एंड कट प्ले सेम रोल इन बात पित्त कफ? यस, सेम रोल एक्सटेंशन एंड कट का रहता है. बैक पेन शोल्डर के लिए हम अभी मर्म स्थान पे बात करेंगे. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बता दीजिए. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन देता है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन देता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. इंसान पास्ट के चक्रों में बैठा रहता है, पास्ट के चक्रों में जो डिप्रेशन है वो पास्ट के कारण होता है और एंजाइटी फ्यूचर के कारण होती है. इसीलिए पित्त का जोन जहां से स्टार्ट होता है ईस्ट साउथ ईस्ट से, वो आपको एंजाइटी देता है क्योंकि फायर कार्मिक है, कर्म करवाती है. वात अननेसेसरी वायु भर जाने के कारण आपके दिमाग में,
नॉलेज भी बात की है, आपके दिमाग के अंदर जो भी नॉलेज इस समय है वो ज्यादा बढ़ गई, जब वो पास्ट की होगी तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम गवर्न करती है. वी हैव चेंज्ड आवर किचन फ्रॉम वेस्ट टू साउथ, स्टिल आई हैव स्टमक इश्यूज. और भी बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ किचन ही एक कारण नहीं है. सो और भी बहुत सारे कारण होते हैं. दूसरी बात, सिर्फ वास्तु एक रीजन नहीं है, वास्तु भी एक रीजन हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए. फैटी लीवर की प्रॉब्लम कौन से जोन से होती है? वेस्ट से होती है. फैटी लीवर की प्रॉब्लम वेस्ट से होती है. वेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम. नेक प्रॉब्लम किस वजह से होती है? आगे आएगा लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम. रीजन लोअर एब्डोमेन मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के कारण होता है, क्योंकि एक पिताक्ष्य है जो अग्नि का कारक है और एक डिस्पोजल का कारक है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या रुकना चाहिए उसका कारक है. लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम का कारण साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट होता है. सर प्लीज टेल द इफेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पंपिंग साउथ और वेस्ट. आगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत कीजिए जो अभी टॉपिक में नहीं है. जब इन जनरल डाउट चलेंगे तब आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए, अलग से ये ऑब्जेक्ट, अलग से ये चीजें, क्योंकि फ्लो टूटता है. Sir, animals have intuition, they can predict from results. Exactly, and we are just social animals, we are not practical animals. Spinal cord fracture kis wajah se hota hai? Fracture kis wajah se hota hai? Iske do karan hai. Question bahut acha hai. Problem hai kuch? Mere samajh mein nahi hai. स्लो चलू मैं थोड़ा, मैं तो एक जगह पे बैठा हूँ. एनिमल हैव इंट्यूशंस, वो भी बात स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर की वजह से होता है. कोई भी फ्रैक्चर है उसके दो कारण हैं. एक है एक्सीडेंट और एक है रेगुलरिटी में आपको एक जगह पर चोट लगना और घर कर जाना. तो जो फ्रैक्चर का मेन पॉइंट आएगा वो किस जगह पर है उसके बारे में वर्मा में बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की भी बात करेंगे. और इन जनरल एक्सीडेंट्स का कारण आपने एंट्रेंसेस पढ़ी है, एंट्रेंसेस के कारण होता है, नहीं तो घर में साउथ ईस्ट के अंदर वाटर एलिमेंट आ जाने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. फिंगर्स के ज्वाइंट में पस भर जाना है इज ड्यू टू नॉर्थ वेस्ट. यस, नॉर्थ वेस्ट में कोई पाइप, अब ये बात भी कब से अलग है, नॉर्थ वेस्ट में कोई पाइप जिसके अंदर कुछ स्टक्ड हो, स्पेशली एसी की पाइप जिसके अंदर कुछ स्टक्ड हो, उसके कारण. बाकी हाँ, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो जॉइंट, जॉइंट क्या चीज है जो मूवमेंट देती है? मूवमेंट किसका है? वाटर का है. So, आपके डाउट्स सर, कुछ का कुछ समझा तो अर्थ बदल जाएंगे, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए. अच्छा ठीक है जी, अब भी मेरे को दिखेंगे वो डाउट्स. कहां से स्टार्ट करें? कहीं से भी कर लेते हैं. डन 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 डन, फटाफट थोड़ा सा ना अपने आंख नाक कान खोलकर सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. और क्या बीमारियां सारी जगत की याद हो जाएंगी कौन से जोन से है? ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस है. जितना जैसा जैसा आपको एक्सपीरियंस लाइफ में होता जाएगा वैसी वैसी सी बातें आपको लाइफ में समझ में आएंगी. तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है बात पिट कफ के लिए. मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया कि बात पिट और कफ, इन तीनों में जो भी प्रॉब्लम आपको है उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं. सर डायरेक्शन के साथ रिलेटेड डिजीज का एक लिस्ट दे दीजिए. मैं कोशिश करता हूं पर मेरे को उससे बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं मिला. रेलेवेंस इसी बात से ज्यादा मिला कि आप
जब बात पिच कर्व के हिसाब से तोलते हो तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं, क्लियर होता है। उसके बाद सर आपने ईयरफोन चीज सर आई एम सहयोगी हेल्थ इज अ बिग इशू, हेल्थ आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसके आंसर नहीं समझ पाई। ओके तो मैं बात पिच कर्व दोबारा से क्लियर कर दूंगा। हार्ट अटैक साउथ वेस्ट से देखा जाएगा, हार्ट अटैक साउथ वेस्ट से देखा जाएगा बिल्कुल देखा जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक नेट की प्रॉब्लम है भाई, सो बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अर्थ एलिमेंट कमजोर होने की वजह से ये अक्सर दिक्कत आती है। अर्थ एलिमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर पानी की टंकी हो जाने से हार्ट में अटैक की प्रॉब्लम आती है। उसका कारण क्या है, हम कारण पे बात करते हैं। डिस्टर्बेंस इन वीडियो इज ऑल्सो फ्रीजिंग, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज कुछ गड़बड़ है, आप लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया पक्का, गलती आपकी है, गलती हमारी है ही नहीं। आप लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया, मैनिफेस्टेशन नहीं की, आपने नहीं सोचा कि सेशन अच्छे से चले, तो ऐसा हो। अटक के आ रही है, साउंड इज वेरी गुड, सो माइंड साउंड इज। गौतम बुद्ध का उद्देश्य था इस जीवन में कि अंधविश्वास खत्म किया जाए। किसी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना खत्म किया जाए। तो गौतम बुद्ध ने खाना छोड़ दिया और एक चावल दाने को रोज खाते और सोचते कि इससे मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा। आप लोगों में से किसी ने सुनी हो ये स्टोरी, बड़ी अच्छी स्टोरी है। गौतम बुद्ध ने खाना छोड़ दिया और इतने कमजोर हो गए कि कोई उनको पहचान भी ना पाए, जैसे अब इस शरीर में मांस हो ही ना एक हड्डी का कंकाल। गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी को पार करते हुए, जब वो एक छोटी सी नदी को पार करने लगे तो उनको समझ में आया कि मेरा शरीर अब इस काबिल नहीं रहा कि मैं इस नदी को भी पार कर सकूं, इस खड़े को पार कर सकूं, मेरे शरीर में वो जान नहीं, वो नदी उस लायक भी नहीं थी कि उस नदी कोई बच्चा भी पार ना कर पाए। एक कैंसर का मरीज पीड़ित व्यक्ति भी उसको बड़े आराम से पार कर लेता। गौतम से नाम है, गौतम साइड में जाकर एक पेड़ के बैठे, एक विशाल पुराना पेड़ के नीचे जा बैठे और सोचने लगे कि मैं कर क्या रहा हूं, किससे विरोध, खुद से, इस शरीर से, इस परमात्मा के दिए अनुभव से विरोध, किस चीज से मैं विरोध कर रहा हूं, किस चीज के मैं खिलाफ हूं, किस परंपरा के मैं खिलाफ हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्यों रहा हूं। इतने साल की तपस्या के बाद भी गौतम को यह समझ में ना आया कि मेरा जीवन मुझे मिला क्यों, मेरा जीवन मेरे पास आया क्यों, मेरे शरीर की एक वैल्यू क्या है, मेरी सांस की वैल्यू क्या है। जब वो वैल्यू लेस लगी तो छोड़ दिया, फिर पता लगा कि मैं हूं कौन। गौतम बुद्ध ने दोबारा प्रण लिया कि अब मैं खाऊंगा, अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए दोबारा नया जन्म लूंगा, दोबारा खाऊंगा, दोबारा अपनी जिंदगी में आगे जाऊंगा। एक युवती वहां से रोज जाती थी, उसने उस पेड़ पे एक मन्नत मांगी कि जिस दिन मेरा ये काम हो जाएगा, जिस दिन मेरे बच्चे हो जाएंगे, उस दिन मैं इस विशाल पेड़, इस भगवान को भोग लगाने आऊंगी। और आज वो दिन था जब वो युवती वहां से जा रही थी और वो भोग लगाने आई। कई सालों के बाद
और गौतम बुद्ध जैसा साधु देखकर लगा कि साक्षात ईश्वर आज उस पेड़ से ईश्वर उतर के खुद खुद वहां पर भोग लगाने के लिए बैठे। सोच के देखो उस ईश्वर के बारे में जो दो लोगों को एक साथ कनेक्ट करना जानता है, जो ये जानता था कि आज गौतम प्रण लेगा, गौतम आज अपने शरीर को दोबारा अन्न देगा, तो आज एक युवती की इच्छा पूरी हुई, वो यहां पर आके प्रसाद चढ़ाई। जिंदगी का अर्थ अपने एक्सपीरियंस से बुना जाना। एक युवती के लिए एक इंसान गौतम बुद्ध उस दिन में ईश्वर का रूप थे, और उसी के शिष्य, पांच शिष्य जो गौतम बुद्ध के साथ हमेशा रहे, वो उनको छोड़ के चले गए। इस बात से कि गौतम पिघल गया, इसकी तपस्या टूट गई, हमारा गौतम बुद्ध नहीं रहा। सबका अपना एक्सपीरियंस। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तब एक अलग अलग लेवल का भाव, अलग लेवल का कनेक्ट गौतम से हुआ। क्यों भागे जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। कोई आपको कुछ मान लेता है, आपको खुद नहीं पता कि आप वो कौन करते क्यों हो, क्या करते हो, और फिर आपके सगे जो आपके साथ हैं, जो आपको गुरु गुरु कहते हैं, आपके पैरों में पड़ते हैं, वो आपसे दूर चले जाते हैं क्योंकि आप आज एक अलग रास्ते पर हैं। आपकी सोच ईश्वर ने चेंज कर दी। जब भी किसी का वास्तु करो, क्योंकि मेरी आदत है अपनी ही लाइफ के चीजों को देखने की, सभी की होती है, तो अंधे कुएं की तरह पहले कुछ भी पकड़ पकड़ कर मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। आप देने की औकात रखते हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बात। आप में वो शिद्दत है किसी के लिए काम करने की या नहीं। फिर सामने वाला आपको पैसों का भोग लगाने आएगा या नहीं, ये तो ईश्वर के ही हाथ में है, था और रहेगा। आपने खाने का कर्म किया कि नहीं, ये आई थिंक सबको आवाज क्लियर होगी। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आवाज अभी भी रुक के आ रही है, दोष हमारी किस्मत का नहीं है सर, कितनी अच्छी क्लास मिस हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैन साहब, आज नहीं होगा तो ये टॉपिक कभी और हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, बताया जरूर। किडनी एंड बैक टीवी प्रॉब्लम एंड रीमैथॉइड डिजीज, सर्विकल पेन सर, वीडियो एंड वॉइस क्लियर, नो क्लियर, नॉट क्लियर, किसी को अभी भी क्लियर नहीं है किसी को। मैं मेरी कहां पर दिख रही है, यहां पर क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को क्लियर है किसी को नहीं क्लियर। अरे जिस जिसके यहां पे बारिश हुई है वो ऐसे करेंगे यहां, ओके, बारिश वालों को भी दिक्कत हो सकती है, किसी को क्लियर है किसी को नहीं क्लियर, तो ये तो गैप है। एक तरफा होती बात, स्टैंडिंग ऑन फेंस, स्टैंडिंग ऑन फेंस इज ऑलवेज वेरी पेनफुल। यहां तो इस तरफ की बात हो या इस तरफ की बात हो, बीच में खड़े हैं तो ये तो दर्द देगी। क्लियर बट लो, क्लियर है पर लो है, दैट इज ओके। वीडियो तो ओके है ना, मतलब वीडियो स्टोरीज सुनते रहिए, रहा कीजिए, स्टोरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कनेक्ट कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर बताइए कोई अच्छी स्टोरी हो जो जो शेयर करी जा सकती हो, जो शेयर करी जा सकती हो।
अभी ओके डन डन। तो हम वात पित्त कफ पे थे, आगे जॉइंट पेन के लिए या अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। हार्ट रिलेटेड इश्यूज साउथ वेस्ट के कारण होते हैं। साउथ वेस्ट आपके शरीर का अर्थ है या कोर है, तो दिल आपके शरीर का कोर है, ब्लड आपके शरीर का कोर है। उस कोर में जब, जैसे किसी ने बोला अर्थ एलिमेंट है लेकिन उसमें होल्डेड वाटर है, तो जैसे आपके हार्ट के अंदर, जैसे आपके दिल के अंदर कहीं पर कोई पानी अटक जाए, कहीं पर कोई ब्लड अटक जाए, कोई होल्ड हो जाए, वो क्लोट्स बनने के कारण वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। क्लोट्स बन जाएंगे आसपास या नर्व्स में, या ब्लड थिक हो जाएगा क्योंकि पानी होल्डेड है, तब ये हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक हमेशा ये प्रॉब्लम देता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये 100% मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है और ये प्रॉब्लम आती है। रेस्ट, जो हमने बातें करी वात पित्त कफ के ऊपर, आज वाला पूरा सेशन की रिकॉर्डिंग सबको दे देंगे, हाँ आज वाले पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग सबको दे देंगे, इनकेस अगर कुछ गैप्स हैं तो आप लोगों के वहां से फिल हो जाए। हेल्थ के लिए वात पित्त कफ फाइंड कीजिए, उनके जोन्स की पीडीएफ आप लोगों के पास में होगी, उस जोन्स में जाके देखिए, कुछ भी गड़बड़ है उस गड़बड़ को सही कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बहुत चांसेस मिलेंगे। आगे हम मर्मा के ऊपर बात करेंगे, मर्मा मार्किंग के ऊपर बात करेंगे, सेंसिटिव टॉपिक है और हेल्दी टॉपिक भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साउथ वेस्ट में किचन या यहां पर ये यहां पर वो, उसको छोड़ दीजिए, उसके ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट कीजिए और मैच कीजिए, प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम क्या होती है हमें मैच करते आनी चाहिए, वात की है, पित्त की है या कफ की है। अब जैसे यहां पर किसी का कोई एग्जांपल, किसी का कोई एग्जांपल है, किसी ऑब्जेक्ट से मत पूछिए, वॉशिंग मशीन है साउथ वेस्ट, मैंने वॉशिंग मशीन का टॉपिक क्लियर कराया, किचन का टॉपिक क्लियर कराया, उसी को ट्रीट कीजिए। उस वजह से क्या हेल्थ इश्यू आएगा इस बारे में हम नहीं जाते, क्या हेल्थ इश्यू है उसके कारण क्या होगा हम इस पे जाते। दर्द वाले लोग ज्यादा हैं, पेन 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 ज्यादा है, तो हम मर्मा पे जल्दी आते हैं। टॉप मोस्ट हाउ टू क्रिएट वर्चुअल एंट्री, कैसे हो जाता है ये, मैंने बताया कि कोई भी टॉपिक जो क्लियर नहीं हुआ अभी उसके लिए सेशन बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, बने रहो देखते रहो एंड तक, बताऊंगा। लगाओ मर्म स्थान, सेप्टिक टैंक का ट्रीटमेंट, एनी एडवाइस ऑन हार्मोनल इनबैलेंस, यस जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनल इनबैलेंस जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के कारण होते हैं, क्योंकि प्रजन्य देवता इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल, वहां से हार्मोनल इंबैलेंस का कारण बनता है। और हेल्थ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक बात और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये आपका घर है, इसके 45 देवता की मार्किंग जोन्स की तरह ना करके इस तरीके से करी जाए, तब हर देवता का जो एट्रीब्यूट है उसके हिसाब से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली मैच करते हैं, वो आगे आएगा, आगे आने वाले टाइम में आएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, वो डायरेक्टली मैटर करते हैं। पर इन जनरल प्रजन्य देवता के कारण हॉर्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम आती है। वात पित्त कफ के ऊपर बात करी, अब हम मर्म स्थान के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी घर का सेंटर मार्क करते हैं, जैसे आपने देखा सेंटर मार्क किया और शक्ति चक्रा को अलाइन किया, ये हम सबसे पहले करते हैं। उसके बाद सेंटर मार्क करने के बाद में इस चीज को ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मुश्किल
हो सकती है किसी किसी के लिए। एक आपने ये ग्रीडिंग वाला मैप बना लिया, अब कोई पेन दूसरे कलर का ले लीजिए सो दैट कि आपको विजिबल हो हमेशा उसी वाले में, और इसके लिए एक अलग से हमेशा पेपर पर काम कीजिए। जो ये नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट, इसकी इन दोनों लाइंस को पकड़ लीजिए, जोन की दोनों लाइनें। आप सभी लोगों को जोन मार्क करना आ गया होगा, ये जोन की दोनों लाइनों को पकड़ लीजिए। सेम वैसे ही साउथ वेस्ट की ये दोनों लाइनों को पकड़ लीजिए और इनको स्ट्रेट आपस में इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। मैप बनाने के बाद और तीसरी लाइन जो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सेंटर की है और साउथ वेस्ट के सेंटर की, इन तीन लाइनों को आपने बनाना है। मैं दोबारा से इस बात को क्लियर कर दूं, आपने एक नक्शा बनाया, उस पर शक्ति चक्र लगाया, शक्ति चक्र लगाने के बाद में आपने नॉर्थ ईस्ट दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा के दोनों कॉर्नर्स जो जहां से एक जोन बनता है, साउथ वेस्ट के दोनों कॉर्नर जहां से जोन बनता है, उनको आपस में मिला दिया। सेम वैसे ही एक लाइन उनके बिल्कुल सेंटर में जो उनकी एंट्रेंसेस होती हैं N8 और E1 उसके सेंटर से, और S8 और W1 इसके सेंटर से बनाई, ये तीन लाइन आपके पास बनके आ जाएंगी। ये होते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट मर्मास। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। इसको नोट कर लीजिए, पहला स्टेप है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की लाइंस को मिलाना है, दूसरा है नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की लाइंस को मिलाना है। मैं लिख के छोड़ देता हूं। अब हमने सेम वही प्रोसेस नॉर्थ वेस्ट का एक कॉर्नर पकड़ा, साउथ ईस्ट का पकड़ा और उनके सेंटर में एक लाइन खींच दी, तो आपके पास उसके अगला ये मैप बनके आ जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट मर्मास जिसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो इसी के कारण है, सिर्फ इन्हीं 6 लाइनों के कारण है, बाकी सारे यूं ही हैं, या मैं कहूं कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते। मर्मा मार्किंग के लिए इसका अगला, उसके बाद में इन्हीं लाइंस पर भी आगे के मर्मा क्या है इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस वैसे नहीं मिलता, क्योंकि बहुत मुश्किल है इनको फिजिकल लाइफ में देखना, ढूंढ पाना इन सभी को, इसीलिए मैंने आपको वो लाइंस बताई। उन लाइंस पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम का मतलब अगर इस पूरी लाइन पर कहीं पर कोई पिलर आ गया, इस दीवार पर सपोज ये नॉर्थ ईस्ट की दीवार है, उस दीवार पर कोई कील आ गई, इस तरीके से इन सेंटर्स में कोई गड़बड़ हो गई, कोई पंचर हो गया, कोई टाइल टूटी हुई है, कोई बाहर आपने रख दिया, कोई फ्रिज रख दिया, इस तरीके से जहां पर भी मर्माज में कुछ ऑब्जेक्ट आएगा तो ये आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यू क्रिएट करेगा। क्या हेल्थ इश्यू क्रिएट करेगा, ये सिर है वास्तु पुरुष का और यहां पे कंधे, यहां पे पैर इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से वास्तु पुरुष बन जाते हैं। यहां पर हैंड्स होंगे, यहां पर पैर होंगे और बीच में ऐसे करके हाथ होते हैं और ये उल्टे मुंह जमीन पर लेटे हुए होते हैं, इसलिए जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस मानी जाती है। यहां पर आपके शोल्डर्स आते हैं, यहां पर आपके घुटने आते हैं, इस तरीके से ये लेफ्ट पार्ट हुआ, ये राइट पार्ट हुआ और ये आपकी सेंटर एक्सिस हुई। तो यहां पर हाथ हुए, यहां पर दोनों हाथ हुए, ये दूसरा पैर हुआ, ये चौथा, ये आपका चारों बॉडी पार्ट बन के आए। इस तरीके से आपको मर्मा को मार्क करना है और वहां पर कुछ भी है वो आपको हटाना ही होगा, इसका कोई और इलाज नहीं बनता, कोई इलाज नहीं दिखता, यही एकमात्र इलाज
इसका है कि अगर यहाँ पर कोई पंचर हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, तो आपको उसको हटाना ही होगा, उसको निकाल देना होगा, उस कील को, उस फ्रिज को, अगर वहां पर है कोई पॉइंट है उसको वहां से हटा देना होगा ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आगे अब किसी फिजिकल घर में मरमा कैसे मार्क होते हैं, सेम वही हमने किया। ये हमने घर लिया, इस घर में हमने ग्रीडिंग की, इस घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एक कॉर्नर लिया, दूसरा कॉर्नर लिया, साउथ वेस्ट तक मिलाया, सेम वैसे ही साउथ वेस्ट का सेंटर वाला मिला दिया, और वैसे ही नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एक्सिस का मिलाते चले गए। ये जो लाइंस बन गई, अब इनके ऊपर कोई हैवी चीज आ गई, कोई लूप होल आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो वाले मर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती हैं। तब हमने ये पॉइंट क्यों दिखा रखे हैं, एक बार बैक करेंगे, इनका मैं रेलिवेंस आपको बता दूं। मेजर मर्माज आपके होते हैं ब्रह्म स्थान, ये सेंटर निकला, इसके आसपास ये चार आपके मेजर मर्माज हैं, फिर इस सेंटर वाले पॉइंट के तीन ऊपर और तीन नीचे इक्वल अमाउंट में, जितनी भी आपकी घर की लेंथ है, अगर घर की लेंथ यहां तक है तो जितनी बची वहां से तीन इक्वल डॉट्स डिवाइड कर लीजिए। वैसे ही इसके लेफ्ट में तीन, राइट में तीन, और फिर इन तीनों के दो लेफ्ट में दो राइट में दूसरी एक्सिस पे आ गए। सो ये मेजर मर्माज होते हैं, पर इनको मार्क करना बहुत मुश्किल है या इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है फुट बाय फुट। इसलिए बेस्ट पार्ट इज आप सिर्फ लाइंस को बनाइए और इन लाइंस में आप जो भी ऑब्जेक्ट आपको मिलता है उससे सिम्टम मैच कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो यहां से पूरा मैच कीजिए, लोअर जो बैकबोन होती है आपकी, मजा नहीं आएगा, जो लोअर बैकबोन होती है आपकी वो ये होती है, और अपर पार्ट जैसे नेक का एरिया और सिर तक ये वाला होता है, और ये सेंटर ऑफ योर रीढ़ की हड्डी। इस तरीके से आपको देखा जाता है इस चीज को और आप इस पे काम करते हो। ये है मर्म स्थान। अब इसके आगे जैसे मैंने आपको घर पे बताया कि किसी के हाउस प्लान पर कैसे मार्क करते हैं, सेम आपने ग्रिड लगाया और मर्म स्थान मार्क कर दिए। आजकल ड्राफ्टमैन इनको भी मार्क करके दे रहे हैं जिससे आप लोगों को ये परेशानी ना हो, पर मैं ये कहूंगा जो भी मार्क करके देते हैं उनसे बढ़िया यही है कि आप पूरी पूरी लाइंस को पकड़ लीजिए, और अगर उसमें कुछ दिक्कत है और आपके सिम्टम्स मैच होते हैं तो आप उसको वैलिडेट कीजिए। जी आगे, ये हमने घर में लगा के दिखाया। अगर मैं इस घर में एक एग्जांपल दूं तो कौन सा मर्मा सबसे ज्यादा हिट होने के चांसेस हैं, ये टॉयलेट सीट के पास जो मर्मास निकल के आए ये वाले हिट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, रेस्ट और कोई भी नहीं है। तो यहां पर पैर हुए, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम की आशंका रखी जा सकती है, क्योंकि ये दीवार में अलाइंड हो रहे हैं तो इसके चांसेस भी कम है, अगर ये यहां पर आता तो चांसेस ज्यादा बन जाते पेन होने के या प्रॉब्लम होने के। अगर ये दीवार पर है तो उसके चांसेस थोड़े से कम हो गए, अगर लैंड पर होते, फ्लैट पर होते तो ज्यादा चांसेस होते। इस तरीके से आपको अलग अलग मर्माज देखने हैं। आगे ओके, एक बार जूम। अब कुछ लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि पहले से ही घर में कंस्ट्रक्टेड पिलर्स हैं, कंस्ट्रक्टेड कट्स हैं। 99% टाइम पर यह होता है जब वास्तु पुरुष की एनर्जीज आपके घर में फैलनी स्टार्ट होती हैं, उस समय पर मर्मास ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ज्यादातर वो पंचर तब होते हैं जब आप उनको बाद में जाकर हर्ट करते हैं,
उससे पहले कोई पिलर है तो प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं आती, अगर आ रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको ये बोलूं कि मर्म स्थान भंग हो गया उसका कोई इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है, ना ही वो ट्रीटेबल है। हाँ, आप जोनल टेप लगाकर ट्रीट करके देख सकते हैं, पर मेरे एक्सपीरियंस में उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। इलाज यही है कि कील लगी हुई है तो आपने वो हटा दी, फ्रिज है, कोई भी हैवी चीज अगर वहां पर आई है तो आपने उसको हटा दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। सर ये तरीके से जियोपैथिक लाइंस देखी जाती हैं? नहीं, जियोपैथी लाइंस इस तरीके से नहीं देखी जाती। जियोपैथी लाइन को देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मोहित जी, आई थिंक आप बहुत समय के बाद सेशन में आ रहे हैं जिसके कारण आपको ये सब डाउट्स रिपीटेड हैं। कहां गैप है मुझे नहीं पता, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आपको सेशन में कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। कितना शिफ्ट करना चाहिए वो जितना आपका मर्म, आप मैप पे टेंटेटिवली देख लीजिए कि कितना वहां पर मर्म स्थान आ रहा है, वहां से 1-2 फुट लेफ्ट या राइट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। साउथ वेस्ट में कबर्ड है राइट लेग प्रॉब्लम मम्मी को, साउथ वेस्ट में कबर्ड है और कबर्ड के कारण प्रॉब्लम है, कबर्ड में कुछ रखा होगा इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपने बोला है कि राइट लेग में प्रॉब्लम है, राइट लेग साउथ वेस्ट की नहीं होती, लेफ्ट लेग साउथ वेस्ट की होती है, या सिर्फ बिल्कुल पैरों के तलों में प्रॉब्लम होगी तो साउथ वेस्ट, पैरों के नाखून में, पैरों के अंगूठों में, या सिर्फ पैर वाले पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो वो ऐसा देखा जा सकता है साउथ वेस्ट को। तो वहां पर क्या एंटी एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, कुछ भार है, कुछ पेन है, कुछ कीले लगी हुई है तो उनको हटा दीजिए। नहीं, मर्म स्थान की शाफ्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ओनली हेल्थ इश्यूज देता है मर्म स्थान। यस, मर्म स्थान ओनली हेल्थ इश्यूज ही देता है। साउथ वेस्ट में वॉल राम, साउथ वेस्ट में वॉल है, हैवी आइटम कोई नहीं है साउथ वेस्ट में, वॉल के कारण लोअर बैक पेन हो सकता है, वॉल के कारण नहीं हो सकता, वॉल में कुछ गैप होंगे, लोअर बैक में पेन है तो वहां पर कुछ टांगा हुआ होगा, कुछ कील होगी, कुछ फोटो फ्रेम लगा हुआ होगा, या उस दीवार के अंदर कुछ ऐसा गैप होगा, कोई दिक्कत होगी जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आई। बाबू जी, साउथ साउथ ईस्ट में स्टोर रूम अर्थ एलिमेंट का काम करता है, कहीं पर भी स्टोर रूम अर्थ एलिमेंट का काम करता है। इन जनरल वाले डाउट्स हम लोग बाद में लेंगे, अभी मर्मा स्थान के ऊपर बात करते हैं या हेल्थ के बाद बात करते हैं। लेफ्ट नी पेन हो तो क्या करना है, लेफ्ट नी इज नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, आपको वहां पर चेक करना है कि किस तरीके से वहां पर मर्मास फैले हुए हैं, उसके कारण ऐसा हो सकता है। सेंटर लाइन जितनी है बिल्डिंग की उससे इक्वल पार्ट डिवाइड करना नहीं, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ वही एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है, कोई सेंटर लाइन डिवाइड करनी है मैंने ऐसा नहीं बताया, मैंने तरीका कुछ अलग बताया, मैंने बोला कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट एक्सिस और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट एक्सिस और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एक्सिस को जब आप मिलाओगे और तीन तीन लाइनें उनके जोन के चारों से बनाओगे तो ये 6 लाइनें बन के आएंगी, सारे के सारे मेजर मर्मा स्थान जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मर्मा स्थान है वो यहाँ पर आते हैं। रेस्ट वास्तु पुरुष के अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग लोकेशन पर होते हैं, ये देवताज के एट्रीब्यूट के कारण ऐसा होता है, जो एंगुलर डिवीजन के हिसाब से नहीं देखे जाते, जो प्रैक्टिकल जो नॉन एंगुलर डिवीजन मेथड होता है डायरेक्टली हम उसको मैप करते हैं वहां से उनको देखा जाता है, जो हम देवताज में आगे बात करेंगे। साउथ वेस्ट में तो हम एंसेस्टर फोटो लगाते हैं तो वहां नेल तो होगा ही। साउथ वेस्ट बहुत बड़ा होता है रूपल जी, उसमें कहीं पर एक जगह पर मर्म स्थान होंगे, वहां पर मत लगाइए। अगर लगाने के बाद में दर्द हुआ तो हटाकर उसको फिल कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे घर में फोटो लगाने से पहले मर्मा चेक करता हूँ कि यहाँ कील टांगनी है। सो
आप उसको लगाइए, आप एक्सपीरियंस कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिल इट एंड शिफ्ट दैट पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम देयर. ए सी डी जी अकॉर्डिंग टू व्हाट? अच्छा, ए सी डी जी इज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी देयर आर टू नक्षत्रास विच डिमांड ब्लड. डज दे नॉलेज नहीं है सौरभ जैन जी मुझे कि कोई नक्षत्र मेरे खून की मांग करता हो, ऐसा मैंने सुना नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में. वास्तु के साथ नक्षत्रास का रिलेशन होता है, इसमें कोई गैप नहीं है इसमें, बट मैंने ये बात पहली बार सुनी कोई नक्षत्र तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का स्लोगन बताता हो, ऐसा मैंने नहीं सुना. बट नक्षत्रास का लॉजिक है वो हम आगे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में जरूर पढ़ेंगे. प्लांट्स एंड वास्तु का एक टॉपिक है जो मेरा बहुत मन है बढ़ाने का. हर तरीके के प्लांट इन जनरल कोई खास इफेक्ट नहीं देते, पर फिर भी किसी पर्टिकुलर नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा है. तो नक्षत्रों के प्लांट होते हैं. एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद में आगे फिर हम इस बारे में बात करेंगे जब आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों आ जाएंगे. तो कुछ नक्षत्रों के अलग अलग प्लांट होते हैं, उनको घर में लगा लेने से आपका वो नक्षत्र एक्टिवेट होता है जिससे आपको बेनिफिट होते हैं. सर, जो वर्कोसिस वेन की प्रॉब्लम होती है लोगों को, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, वो मर्म के कारण है या वातपित? वो वातपित कफ के कारण है. जो वर्कोसिस वेन है वो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट के कारण मिलाकर होती है. साउथ वेस्ट क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कोर हार्ट का है और साउथ ईस्ट फिल्ट्रेशन का भी है, पित्त का भी है आपकी बॉडी में, इसके इम्बैलेंस के कारण हमेशा होता है. साउथ वेस्ट में वॉटर एलिमेंट या लीकेज अगर आपको पानी की मिलेगी उसके कारण ज्यादातर ये वाली बीमारी देखी जाती है. सर, साउथ वेस्ट में टाइल चटक गई है, क्या इस वजह से थाइज में दर्द रहता है? नॉट नेसेसरली. साउथ वेस्ट की टाइल का थाइज से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा. जो मैंने आपको लाइन दी है ना, उस लाइन पर देखिए जहां पर उनका पैर आता है, उस सेंटर वाले पोर्शन में ये वाली दिक्कत होगी. एक बार दोबारा बताएंगे मरम वाला. हाँ, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, सो यहां पर ये जो नॉर्थ वेस्ट है यहां पर ऐसे हाथों की शेप बनी और यहीं पर ऐसे पैरों की शेप बनती है, ऐसे ऐसे करके. सो थाइज यहां इन वाले मरम स्थान पर आती है, साउथ वेस्ट पे नहीं आती, या मैं यूं कहूं इस पे, इस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वालों पर यहां पर अक्सर आपकी थाइज पाई जाती है क्योंकि यूं फैले हुए हैं और फिर इस तरीके से आकर पैर होते हैं. तो थाइज की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा इस इन पूरे पोर्शंस में पाई जा सकती है. यहां साउथ वेस्ट की टाइल क्रैक है तो नहीं होगा, यहां क्रैक है तो हो सकता है. आगे ओके, साउथ वेस्ट में कर्टन की रोड है, उसके स्क्रू के कारण लोअर बैक पेन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. देवर भी क्या मरम का प्रॉब्लम करेंगे? दीवार में भी क्या मरम की प्रॉब्लम करेगी क्या? यस, दीवार में भी. एक बार दोबारा लगाएंगे स्क्रीन फटाफट. ओके, लेट मी गो इट. सो ये एक घर की दीवार है, ये फ्लोर हुआ और आपका साउथ वेस्ट इस फ्लोर पे यहां ऐसे आता है. साउथ वेस्ट इस फ्लोर पे यूं आया और साउथ वेस्ट की जो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं वो एक्सिस बनी, साउथ वेस्ट की एक एक्सिस ये बनी जो नॉर्थ ईस्ट तक जा रही है, एक एक्सिस ये बनी जो नॉर्थ ईस्ट तक जा रही है और सेंट्रल एक्सिस ये बनी. तो इस दीवार के यहां, यहां और यहां, ये तीनों लाइनें भी मरम्मा की लाइनें ही होंगी. इन पर भी अगर कुछ पंचर होता है, कुछ कील लगती है तो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. ये मैं यहां पर फ्लोर दिखा रहा हूं और ये वॉल. तो जो आपकी लाइंस बनती हैं उस लाइंस पर भी आपका मरमा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वास्तु पुरुष उल्टे होते हैं तो लेफ्ट एंड राइट एक बार बता दीजिए. नॉर्थ ईस्ट से
नॉर्थ ईस्ट से राइट की तरफ, जैसे ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ पूरा राइट हैंड साइड है, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट की तरफ पूरा लेफ्ट हैंड साइड। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। सो ये पूरा राइट पोर्शन है बॉडी का जो ईस्ट वाला है, और ये जो वेस्ट वाला है ये पूरा लेफ्ट पोर्शन है। आपने सामने जब भी नक्शा रखोगे तो जो आपके राइट हैंड साइड में आएगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को ऊपर मान लेते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड में आएगा वो राइट पार्ट है, जो लेफ्ट में आएगा वो लेफ्ट पार्ट है। अब ये मत पूछना कि आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट। गैस बर्नर का क्या इफेक्ट होगा ये हम पढ़ चुके हैं, गैस बर्नर के इफेक्ट्स में। आई थिंक पूनम जी कहीं मिस हो गए आप उसमें, लाइंस में शाफ्ट स्टोरेज किचन आए तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइंस पे शाफ्ट आएगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, स्टोरेज से भी प्रॉब्लम आ सकती है, किचन से नहीं आती, किचन में रखे हुए ऑब्जेक्ट के कारण आ सकती है। इफ बेड इज ऑन मर्म लाइन विल इट इफेक्ट, बेड का पाया अगर मर्म स्थान पे है तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, या पूरा बेड जो ग्राउंड टच होता है उसके कारण आ सकती है। बेड नीचे जो होलो होते हैं और पायों पे टिके होते हैं, उनके पाए अगर मर्म स्थान पे आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, पूरे बेड के कारण नहीं होगी। प्लांट्स, क्लोक्स एंड वाईफाई, ओबेसिटी किस वजह से होती है? ओबेसिटी का मैंने बताया साउथ वेस्ट के कारण होती है, जनरली साउथ वेस्ट कम हो जाने के कारण ओबेसिटी की प्रॉब्लम आती। प्लीज एक्सप्लेन राइट लेफ्ट ऑफ मर्मा अगेन, क्या हो रहा है? मतलब कनेक्शन कट हो जा रहा है आज बार बार, या आप लोगों के कनेक्शन कट हैं आज? मतलब कुछ तो गैप है, हेल्थ करने का मन नहीं है या? पूजा जी कुछ बात करना चाह रहे हैं जी? पूजा जी आए, बात करो। हेलो सर। हेलो पूजा जी, कैसे हैं? हाँ सर, ये जो आप बोल रहे हो ना कि कनेक्शन नहीं है, तो मैंने प्रश्ना में चेक किया, लग्न में बुध केतु है और सप्तम में राहु, लग्न में गुरु केतु है और सप्तम में राहु बुध है, उसके कारण ऐसा हो रहा है? यस सर। ओके, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट्स देखने आते हैं आपको? हाँ सर। 30, 60, 120, 90 ये वाले इफेक्ट एपी बोलते हैं उसको, इसको आते हैं, ये इफेक्ट देखने आते हैं आपको? जी सर। ओके, नौवे हाउस पे और फोर्थ हाउस पे, हाँ सर, क्या नेगेटिव इफेक्ट है? 9000 फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस पे इसकी जाएगी दृष्टि, हिट जाएगा 30, 60, 90, 130, यदि वो कितने डिग्रीज के ऊपर है तो, हाँ, तो जब आप नोट करेंगे, मुझे नहीं पता, हाँ। अगर आप अभी की कुंडली निकाल के नोट करेंगे तो फोर्थ हाउस पर और नाइन्थ हाउस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिसके कारण ऐसा अक्सर होता है। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू वैदिक इट इज डायरेक्ट कनेक्शन, इंटरेस्टिंग डायरेक्ट। ओके, वैदिक मैं कोई खास फॉलो नहीं करता तो मुझे नॉलेज नहीं है, सच्ची बात तो ये। किसी ने बड़ी अच्छी जवाब दिया, आई थिंक दिस इज ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, दिस इज ड्यू टू रेन। सो बाढ़ में गई वैदिक और बाढ़ में गया वास्तु, दिस इज ड्यू टू रेन। नो सर, इंटरनेट इज राहु, इंटरनेट इज राहु। जी मैम, हाँ, क्या कीजिए। ब्लैडनेस प्रॉब्लम भी वास्तु से रिलेटेड है? नहीं जी, नहीं, मेरे को नहीं पता जी, गंजेपन का इलाज वास्तु में, अगर होता तो मैं सबसे ज्यादा अमीर वास्तु वाला होता, और मैं मार्केट में आप लोगों को पढ़ाने की जगह या कंसल्टेंसी देने की जगह यही कहता, करिए ये वास्तु का उपाय और दिनों दिन हो जाए मालो माल, ऐसे मेरे जैसे बाल लगाकर मैं लोगों को दिखा रहा होता, पर ऐसा नहीं होता। गंजेपन का इलाज मुझे नहीं पता और मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए। पंकज जी, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए, सुनीता बत्रा जी लाइन पर हैं आप, कल उन्होंने प्रॉब्लम पूछी थी अपनी एक, आप लोग मैच कीजिएगा कि उन्होंने क्या बोला और मैंने उनका मैप बनवाकर
मेरे पास आ गया, मुझे बनाने का मौका नहीं मिला, उनका मैप ऑलरेडी बना हुआ था, वो मैप आया और उन्होंने क्या प्रॉब्लम थी अगर वो शेयर कर सकें मतलब सबके सामने, तो आप लोग रियल लाइफ में मैच करके देखिए कि कैसे उनके घर में कहां पर क्या सामान मिला जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। गुनीशा जी, मैं बात करता हूं आपके हेल्थ इश्यूज के ऊपर, कोई गैप नहीं है। हम अभी अभी जो सेशंस हैं ये प्रैक्टिकल सेशंस हो गए हैं अब, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, काफी हद तक हो चुकी है, इसको ग्रास्प कीजिए, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। हैं लाइन पर हैं सुनीता जी, क्या आप लाइन पर हैं? ये रही सुनीता जी, है ना, सुनीता बत्रा जी, आज टू अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुनीता जी। हां जी सर, कर दिया अनम्यूट। परफेक्ट सुनीता जी, अब सुनीता जी को सभी को दिख रहा है, सुनीता जी सबको दिख रही हूं, तो अपने अपने स्क्रीन पर सुनीता जी को भी देखें। और हाँ सुनीता जी, आपने आप शेयर करने में कंफर्टेबल तो है ना सबके सामने? कोई सर इतना ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं हूँ सबके साथ। ओके सो कुछ ऐसी मोटे मोटे लेवल पे कोई बात करना चाहेंगे कि ये मैंने आपकी, मैं आपको पहले बता दूं कल को गैप ना हो, सो मैंने आपकी वीडियो अभी डाल रखी है घर की, जो मैंने आज सुबह मंगवाई थी, आपको याद हो? हाँ जी हाँ जी। लाइव एग्जांपल के लिए अपना परिवार समझिए सबको, अगर मेरा मानना है आप नहीं कंफर्टेबल तो हम इस बात को यहाँ पर विश्राम देंगे, पर सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिसेस के लिए कुछ पूछेंगे तो हम लाइव एग्जांपल से जब मैच करेंगे तो आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो आपकी क्या प्रॉब्लम थी, कुछ एक नॉट डीप डाउन करते हुए क्या प्रॉब्लम थी जो आपने कल बताई थी हमें? सर मेरा जो माइंड है ना बहुत ज्यादा वेवर करता है, फोकस नहीं, माइंड बहुत ज्यादा वेवर करता है, फोकस नहीं हो पाता है। हाँ, मतलब सभी लोग ना इस बात को नोटबुक में लिखो, मेरा बीच में डिसकनेक्शन हो जाता है पहली और उसकी बात को, वो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कॉन्शियसली सुन रही हूँ, वो चीजें मेरे सबकॉन्शियस में नहीं जा पाती है। परफेक्ट, मैं बहुत डिसकंटिन्यू में बातों को सुनती हूँ, मेरे को लगता है कि वो मैं कॉन्शियसली सुन रही हूँ, वो मेरे सबकॉन्शियस में नहीं जा पाता है। अगर मैं उसको रिवाइव करना चाहूँ तो मुझे याद आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको ना, मतलब नहीं, अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ तो मुझे रिवाइज करने में टाइम लगता है और याद नहीं आ पाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी बातें ये बोल रही हैं, इन सभी से रिलेटेड एक एक ऑब्जेक्ट आपको इनकी उस दिशा में मिलेगा, एक एक ऑब्जेक्ट। जी सुनीता जी, और आगे कंटिन्यू करूं सर? अगर चलो ठीक है, लेट इट बी, हम इस बात पे। मेरे को जो बात याद थी कल इन्होंने जो बोली वो ये बात थी कि मैं एक थॉट के अंदर बैठ जाती हूँ, वो थॉट नहीं निकलते, अच्छा नहीं लगता लाइफ में कुछ, इस तरीके से आपने कुछ बोला था, एक थॉट फंसे रह जाते हैं। हाँ, पास्ट में रह जाते हैं। सो मैंने आज जब मेरे पास आपका पता लगा कि आपके मैप्स आ चुके हैं, तो मैंने टीम को बोला कि फटाफट इनकी नॉर्थ ईस्ट की वीडियो मंगाओ, राइट? आपने नॉर्थ ईस्ट की वीडियो भेजी, नॉर्थ ईस्ट जिन लोगों ने पकड़ा बहुत खूब पकड़ा, नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने पकड़ा बहुत खूब पकड़ा, और अब मैं इनकी वो वीडियो मैं चलाऊं, सुनीता जी वीडियो चला दूं नॉर्थ ईस्ट के घर की? चला दीजिए सर। जी नॉर्थ ईस्ट की वीडियो है ना हमारे पास? जी आप नॉर्थ ईस्ट की वीडियो देखिएगा, आप लोगों को मजा आएगा। परफेक्ट, यहीं से? हाँ जी हाँ जी। ये वर्टिकली है, अब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम से स्टार्ट। जी 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 बिल्कुल, म्यूट कर दो इसको सर। ये दिस वॉशरूम इज बीइंग
यूज्ड एज स्टोर एक्चुअली, मतलब अभी हमने इसको यूज नहीं किया. हाँ, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में है. हाँ जी हाँ जी, पूरा नॉर्थ ईस्ट में. दोबारा इसको पोज करेंगे वीडियो को, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप पीछे चल सकते हैं. अब एक एक बात मैं आप लोगों को रिलेट करवाता हूँ, एक एक छोटी छोटी सी बात. पीछे और पीछे और पीछे, रूम से स्टार्ट हो जाए. रूम से स्टार्ट हो, रूम से मतलब वॉशरूम से स्टार्ट हो. वॉशरूम क्या इसमें ऐसे स्लाइड करके होना? जी जी, एक सेकंड, यहां पर पोज कीजिए. अब ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है. हाँ जी हाँ जी सर, परफेक्ट. ये क्या पड़ा है, ये क्या है? ये आई थिंक कुछ केमिकल सॉर्ट ऑफ है, क्लीनिंग के लिए यूज करने के लिए. क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए कुछ केमिकल है. इस बात को नोट करिए अपने पास में, बाकी सब लोग, कि क्लीनिंग के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल है. उसके आगे और आगे चलो, स्लो पोज. बहुत कम लोग इस बात को नोट करेंगे कि यहां पर एक पिंक रेडिश कलर की एक चटाई, एक मैट भी वहां पर पड़ा है. इस बात को भी नोट कर लीजिए. आगे ये क्या है? एलईडी का एम्प्टी बॉक्स है, बिकॉज अभी हम लोगों ने अभी कुछ महीने पहले शिफ्ट किया है ना यहाँ पे घर. परफेक्ट, तो अभी सेट एलईडी का एम्प्टी बॉक्स, इस बात को भी लिख लेंगे. आगे फिर ये कुछ अनयूज्ड आइटम स्टोर. आगे एक सीढ़ी, एक सीढ़ी काइंड ऑफ, जिसको घोड़ा बोलते हैं कुछ लोग अलग अलग भाषा, तो सीढ़ी, ये भी नोट करेंगे. आगे अगेन एक कैरम, और फिर से कुछ स्टोरेज का सामान, एक कैरम पड़ा है. चलो आगे, ये मल्टीपल पैटर्न्स वाली टाइल्स. आगे, दिस इज नॉट टाइल्स एक्चुअली, ये उसका मंदिर के लिए बनाने के लिए पत्थर. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लकड़ी का है सर. लकड़ी का ले लीजिए, कोई बात, लकड़ी का. आगे अब हम रूम में, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है. हाँ जी सर, एनएन ही आता है, ये नॉर्थ ईस्ट है. नॉर्थ ईस्ट मैंने आपका देखा है, आधा रूम आपका ये नॉर्थ ईस्ट में आता है. आगे बढ़े, आगे बढ़े. पोज, ये जो आइटम पड़ी है यहाँ पर, क्या ये गुड नाइट है? हाँ जी सर, हाँ जी. परफेक्ट, इसका कलर क्या है? वो पिंक पीच कलर है. बहुत बढ़िया. और इसके साथ में जो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? लैंप. ये कैंडल स्टैंड है सर. कैंडल स्टैंड है, बहुत बढ़िया. आगे अभी ये बच्चा भी अनटाइडी था रूम, ही वाज वर्किंग. कोई 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 बात नहीं मैम, मेरा घर तो आप देख ही नहीं पाएंगे. फिर डन, पॉज कीजिए, जूम लगाएं. ये कब से अनटाइडी हुआ? आप किसी जवान लड़के के घर में गए हैं कभी, जो कॉलेज में पढ़ता हो, हॉस्टल में पढ़ता हो? ये कब से? जी नॉर्थ ईस्ट, जिसने पकड़ा, बहुत बेहतरीन पकड़ा. अब आप इनकी बात पीली तो नहीं, मैं तो बहुत पहले पीली. मैं प्रॉब्लम बता रहा था जी आपकी, किस कारण से है. अगर आप चाय अपन बाद में पी लेते हैं. नहीं, वो बेटा बोल रहा था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो आप लोगों ने एक एक आइटम, इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम क्या बोली, आप लोगों ने लिखी हुई है. लाइफ से डिस्कनेक्शन है, पास्ट में फंसे रहते हैं, दिमाग उलझन में है, बाहर निकलने की सोच है, बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं पास्ट की सोच से. माइंड हमेशा डिस्कनेक्टेड फील करता है कि कॉन्शियस में कर रही हूं, सब कॉन्शियस में सेव नहीं होता. ये सब बातें थी स्टेप बाय स्टेप.
पास्ट में फंसी रहती हूँ, बाहर नहीं निकलती, माइंड बाहर निकलना चाहता है। अब आप आइटम नोट करो, माइंड बाहर निकलना चाहता है, ये आउटकम है। तो वहां पर एक क्लीन करने वाले ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जो चीजों को सफाई करते हैं। तो इनका दिमाग इस बार में बार बार सोचता है कि चीजों की सफाई होनी चाहिए, चीजों से बाहर जाना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आ रहा चीज, चीजों की सफाई। जब आपने वहां पर प्रोडक्ट्स रख रखे हैं जो चीजों की सफाई करते हैं, आपके मन के अंदर हमेशा ये बात रहेगी कि मेरे को अपने दिमाग की सफाई करनी है, उसको क्लीन करना है, मेरा दिमाग क्लीन नहीं है। सो वो प्रोडक्ट वहां पर क्लीन के रखे हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स की फंक्शनैलिटी मैंने आप लोगों को बताया था, उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, टू क्लीन द थिंग्स। सो वो प्रोडक्ट वहां पर पड़े हैं। आगे हम बात करते हैं, जब आपकी वीडियो देखी तो उसमें पता लगा कि वहां पर लाल कलर की एक चटाई है, इसलिए मेरे दिमाग में आग लगी रहती है, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ परेशानी है, कुछ खलल है, कुछ गैप है, क्योंकि वो हाइपर रेड नहीं है, वो टेंटेटिव रेड है, वो पिंकिश है, बहुत ज्यादा हाइपर रेड नहीं है। तो वो आग कुछ गलत नहीं करवाती, वो सिर्फ दिमाग के अंदर एक हलचल देती रहती है। आगे हम बढ़ते हैं तो थर्ड ऑब्जेक्ट वहां पर हमें मिला, कैरम बोर्ड। लोगों ने देखा ना, कैरम पड़ा है वहां पर। कैरम में क्या करता है इंसान, खेलने का सामान है। ऑब्जेक्शन क्या है, खेलने का सामान है जिससे खुशी मिलती है, जिसमें एम्स हैं। मैं कनेक्टेड नहीं हूं, मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर चीजों को सेव नहीं करता। कैरम कनेक्ट कराता है हैप्पीनेस से, मुझे हैप्पीनेस नहीं है, मैं जहां हूं वहां रुकी हुई हूं, वहां पर एक खेल कूद का अनयूज्ड सामान, सीढ़ी पर मुझे कुछ करना है, मुझे निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, सीढ़ी ऊपर जाने की सोच देती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो वहां पर कुछ पैटर्न्स वाली, मेरे को टाइल्स लगा, इन्होंने बोला वुडन स्ट्रक्चर है, कुछ पैटर्न्स वाली टाइल्स या जो भी वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। सर वो एक्चुअली वो मंदिर को बनाना है, और भी अभी जैसे शिफ्ट हुए हैं ना, तो उसके लिए हमें कोई कारपेंटर अवेलेबल नहीं, वो मंदिर के लिए कोई भी गैप नहीं है सुनीता जी। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशनल बोल रहा हूँ, करना क्या है तो हम इस बारे में बात करें, ऑब्जर्वेशनल। तो अभी आपकी बातों से हो सकता है वो आपने हफ्ते पहले रखा हो, हो सकता है आपने दो हफ्ते पहले रखा हो सकता है काफी टाइम से हो, तो अभी के लिए आपका माइंड क्या बोल रहा है उससे मैं डायरेक्ट मैच करा रहा हूं जो अभी आपने वीडियो भेजी। एक्चुअली सर इसमें सामान तो पहले बहुत सारा पड़ा था, बट सविता से मेरी बात हुई तो उसने बोला कि इसको क्लियर कर दो, सामान को निकाल दो यहाँ से, जितना भी सामान है। तो हमने 5 दिन पहले ही सारा सामान निकाला है इसको, उन्होंने बहुत बहुत कुछ निकलवा दिया होगा, तो ही शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात को बड़े क्लियरली यहाँ पर रख कर अपनी बात बता पा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब जो आपके पास सामान है, आप लोगों ने मैच किया कि कैसे एक एक वर्डिंग्स उस इंसान की उस रखे हुए जोन में रखे हुए ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी से मैच करती है। और फिर वहां पर रखे हुए हैं खूब सारे ईश्वर। ईश्वर क्या है, इमोशंस, इमोशंस भाव। फिर जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप एक स्पिरिचुअल एंगल से जोड़ते हैं, एक भाव से, एक इमोशन से जोड़ते हैं कि मेरे को ये मेरा सॉल्व हो जाए, कोई ईश्वर रूपी मेरी हेल्प करे, कुछ हो जाए, कोई भगवान मेरी सुने, मेरी जिंदगी को सफल हो, ये भाव आपके जीवन में आते हैं क्योंकि मंदिर। लेकिन स्टार्टिंग उस पूरे जोन की, उस पूरे इफेक्ट की वहीं से हुई, इसलिए आपके इमोशन भी उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कामना करते हैं। और फिर दोबारा से एक आग का स्वरूप, आपने पिंक कलर की गुड नाइट वहां पर रखी। सो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई कई बार एक्शन लोगे, कई कई बार दिमाग में खलल पाल लोगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे, मैंने बोला
क्योंकि मच्छर जब काटते हैं उसको हटाने के लिए आप गुड नाइट का इस्तेमाल करते हो, उससे फ्यूम्स निकलती हैं तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। तो ऐसा सहारा मिलना जिससे मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो, दिमाग के अंदर कोई ना कोई बात हमेशा ऐसे लगी रहना जिससे मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो, वो परेशान करेगी, माइल्ड माइल्ड झटके देगी, परेशान करेगी, ऐसा दिमाग में लगा रहेगा। ये एक एक ऑब्जेक्ट आपको एक एक बात इंसान की बताता है, एक एक बात, क्योंकि इनका आज ही आया तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कल। अब आपको करना क्या है सुनीता जी, ये सारे आइटम को वहां से हटा देना है मंदिर को छोड़ के, सभी चीजें, वॉशरूम हट गया उसको पूरा क्लीन कर दो, साफ, वहां पर कुछ भी ना हो, कीप इट नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एंटी, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है जी, उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डन, ठीक। सो आप सभी लोगों ने चेक किया, आप उनको अनम्यूट पे कर देंगे, कि कैसे एक लाइव एग्जांपल पे आप लोग काम करते हो, कैसे किसी की प्रॉब्लम मैच करते हो। अब यही एग्जांपल हमें 22 तारीख को सेट करना है, जब आप सब लोग अननोन लोगों की प्रॉब्लम ऐसे लाइव देखकर और मैच करेंगे कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या, किस कारण से वो दिक्कत आ रही है, और फिर आपको अलग अलग केसेस का एक्सपीरियंस एक सेशन में मिलेगा। डन, प्लीज कंफर्म, क्या कंफर्म करना है सर, इनके केस में ईएससी भी देखेंगे? नहीं, ईएससी नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात उन्होंने ईएससी वाली नहीं बोली। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो तो वहां पर द्वार या फिर पूजा की चीजें रखने के लिए स्टोरेज करवाते हैं। सर क्या स्टोरेज एनी में नहीं रखना चाहिए? स्टोरेज एनी में नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, पूजा का छोटा मोटा सामान वहां पर चल सकता है, मेजर स्टोरेज वहां पर नहीं होनी चाहिए। सर ऐसे केस स्टडी और कराओ, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा, 22 तारीख को हम सब लोग मिलकर केस स्टडीज करेंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और पास्ट थॉट जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट ऑफ एक्साइटिंग हर अदर फैमिली मेंबर्स आल्सो फेसेस सेम इश्यूज। यस गुनीशा जी, मैं आपकी बात का आंसर करता हूं, इट डिपेंड्स ऑन एस्ट्रोलॉजी कि किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, डिपेंड्स ऑन योर साधना, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू, इट डिपेंड्स ऑन योर मेडिटेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर कर्म, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स कि वो किसको इफेक्ट करेगी, बट यस हर किसी का नंबर आता है घर में, हर किसी को ज्यादातर घर में सेम ही प्रॉब्लम होती है, बट वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम हमेशा यही बात करते हैं, पहले प्रॉब्लम बताओ क्या है और किसको है, फिर आप उसको अलग अलग चीजों से मैच करते हो। डन, आगे बढ़े। हेल्थ, आप सभी लोगों को मैंने बताया वात पित्त कफ के कारण होती है हेल्थ के इश्यूज, वात के रोग वात वाले जोन्स में, पित्त के रोग पित्त वाले जोन्स में, और कफ के जोन्स कफ वाले जोन के कारण प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसा ही देखा है। बाकी पेन के कारण मर्म स्थान आप लोगों को देखने हैं कि किस कारण से ऐसा होता है। अलग अलग बीमारियां जो मेरे दिमाग में है, जैसे मैंने डायबिटीज बताया, बीपी बताया, हार्ट इश्यूज बताए, जो भी बीमारियां आप लोग बता सकते हो, अगर मेरे दिमाग में वो बीमारी होगी या मैंने उसके बारे में पढ़ा होगा तो मैं शायद उसको रिलेट कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरा तरीका यही है, बीमारी के बारे में जानो, उसके बारे में पढ़ो कि वो किस के कारण होती है, उसी जोन में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग तरीके से इनको चेक करने के, इंट्यूटिवली या अवेयरनेसफुली, मतलब इंट्यूटिवली तो गलत हो गया, सो अवेयरनेस से कैसे इसको चेक किया जाता है, या एडवांस रेमेडीज करके, या देवताज के सारे, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास एक ही बात पे उपाय देने के लिए। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कुछ भी नहीं मिलता और फिर आपको देवताज की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी एनर्जी फील्ड्स डिस्टर्ब होते हैं।
प्लीज आप बताएं कि हाँ अलग अलग प्रॉब्लम लगी रहती हैं, कोई ना कोई इशू लगा रहता है हेल्थ का, मुनीषा जी ने क्वेश्चन पूछा, इसके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, एनएनई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए कि जब कोई रेगुलर इश्यूज आपकी लाइफ में लगे रहते हैं हेल्थ। साउथ वेस्ट में ग्रीन आने से बेस्ट ही हो सकती है, हो सकती है, दीवार भी मर्मा को हिट करती है, मैंने बताया दीवार मर्मा को हिट नहीं करती, दीवार पे मर्मा हिट हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क सविता जी, वॉट यू वॉन्ट टू आस्क, कैन यू प्लीज राइट और यू नीड टू टॉक। सो सविता जी का एक बार ऑन करो, बात करता हूँ क्या कहना चाहती है। सबकॉन्शियस माइंड भी नॉर्थ ईस्ट से ही जुड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड नॉर्थ वेस्ट से ज्यादा जुड़ा है। जी सविता जी बात करें, आपको मैंने उस पर डाल दिया है, ये ऑफ हो रहा है, मेरे को दूसरा दे दो। जी सविता जी आपको डाल दिया है, इफ यू वांट टू टॉक यू कैन टॉक। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सुनीता जी वाले केस में एक चीज पूछना चाह रही हूँ, लाइक शी इज माय क्लोज फ्रेंड, तो मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ, ये उसका माइंड वेवर वाला हमेशा से इशू रहा है, ये इस घर में तो अभी शिफ्ट हुई है, तो मैंने बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई कांट विजिट द प्लेस, तो मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट में कुछ मत रखना, तो क्या इनके पुराने घर में भी ऐसा इशू रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, इसमें कोई भी गैप नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण ये प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज क्या होता है, आपकी आवाज गई, इनकी आवाज गई मेरे पास, ओके। सो अदरवाइज क्या होता है, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर। अदरवाइज क्या होता है, जैसे एंजाइटी रहने के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, टेंशन रहने के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट बचपन से भी हो सकती है, किसी एक हादसे के बाद हो सकती है, किसी एक कारण से हो सकती है, तो लाइफ के ना पैटर्न चेंज हो जाते हैं। सपोज उनको ये प्रॉब्लम पहले भी थी पर उसका कोई पर्टिकुलर कारण हो तो आपको डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर यही सेम कारण थे, यही सेम रीजन थे, तो यस नॉर्थ ईस्ट में भी दिक्कत होगी। जैसे मैंने कल बताया था कि सबकॉन्शियसली आपका पैटर्न, आपका माइंड एक पैटर्न को फॉलो करता है और आप उन्हीं चीजों को अलाइन करते हुए चलते हैं, तो यस वो मिल सकता है बिल्कुल। इसका आंसर ये हुआ, अगर हम किसी घर को बैलेंस किए बिना छोड़ के नए घर में जाते हैं तो ऐसे चांसेस हैं हमें नए घर में भी वही प्रॉब्लम्स मिले? बिल्कुल चांसेस हैं जी, बिल्कुल, बैलेंस किए बिना जाते हो तो बहुत सारे चांसेस होते हैं या दिक्कत ज्यादा आती है। जैसे मैं थोड़े दिन पहले, हम लोग ऑफिस सिलेक्शन कर रहे हैं तो मेरी अब एक प्रैक्टिकल हो गया कि एक जगह पर जाते हैं वो जगह लगभग वास्तु परफेक्ट मिली जाती है, क्योंकि बहुत टाइम से इनफैक्ट जिस घर में मैं पला बड़ा बड़ा हुआ वो बिल्कुल वास्तु परफेक्ट घर था, जबकि उस टाइम पे किसी को घर पे नॉलेज नहीं थी, आज भी पिताजी को माताजी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो वो पैटर्न आपकी लाइफ में फॉलो होते हैं। मैं अब जिस घर में, मैं दिल्ली में आया सबसे पहले, वो वास्तु परफेक्ट, एक एक बार घर को देखा, ज्यादा तामझाम नहीं किया, वास्तु परफेक्ट, अभी ऑफिसेस फाइनल कर रहे थे, फर्स्ट बिल्डिंग देखी, वास्तु परफेक्ट। और मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अमित जी अगर लाइन पे होंगे वो सारे दिन सेशन सुनते हैं मेरे। मेरा पहला केस अगर मैं बात करूं, नॉट वैसे प्रोफेशनल केस, उनके कारण मेरे को बहुत कुछ मिला लाइफ में, अमित जी अगर होंगे, भाभी भी आती हैं लाइन पर, तो जब हम उनका घर फाइनल कर रहे थे, या नहीं फाइनल नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी एक घर में रहते थे, दूसरा घर हमने जब लिया, तब जब दूसरे घर का नक्शा उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने बोला कि भैया यार आपसे गलती हो गई, आप शायद पहले वाले घर का नक्शा ही लेके आए हो, ये दूसरा नहीं है। सो इतना सिमिलर होता है जब आप किसी घर को चेंज करते हो, तो बैलेंस करना जरूरी है, या दिक्कत आती है मिलने में और फिर आप अवेयरनेस से काम करते हो तो आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। जी जी, और लोग बात करना चाहते हैं आगे? वैसे कुछ सेशन है नहीं, हम मेडिटेशन ही करने वाले हैं, हेल्थ के ऊपर आज बात करनी थी, आप लोगों को मर्मा मार्क करने आ जाएं, आप लोगों की हेल्थ के बारे में सुने, प्रॉब्लम को समझें, इसी बारे में आज बात करनी थी। मुझे लगा था कि हेल्थ के चक्कर में लोग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। साउथ ईस्ट भी कट है, साउथ ईस्ट कट का एज सच कोई एज ऑफ नाउ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है सुनीता जी, जो आपने प्रॉब्लम बोली। जी निधि जी बात करेंगी, और यहाँ पर अभी मैंने देखा था किसी को हाथ, रीना जी आप शायद बात करना चाह रहे थे जी, तो हम लोग बात करते हैं। निधि जी प्लीज बात करेंगे। मी टू एवरीवन, 5:37 PM, व्हाट इज द रीजन ऑफ पार्टनर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीवन
एंड एवरीथिंग इन द हाउस एंड लाइफ, क्योंकि पार्टनर में दम है. साउथ वेस्ट के कारण ऐसा होता है स्मृति जी, और नॉर्थ वेस्ट के कारण ऐसा होता है जब आपस में रिलेशंस अंडरस्टैंडेबल नहीं रहते, तो अक्सर कोई एक जना ओवर पावर करता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है. उन दोनों डायरेक्शंस को बैलेंस कीजिए, लाइफ शॉर्ट होगी. जी निधि जी. सर मुझे सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना है इसी बात पे जो आपने बोला कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं. मेरी बड़ी वाली बेटी को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं. जी. शी हैज सम कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, सेरेबेलर डिसऑर्डर. तो मैंने जब एक डेढ़ साल पहले जब वास्तु सीखा था, जो भी बेसिक वास्तु सीखा था, देन आई रियलाइज कि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, मेरे पियर में भी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है. ओके. सो देन आई वाज लाइक आई वाज स्टेइंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. तो फिर मैंने कॉन्शियसली मतलब कम से कम 50 घर देखे होंगे चेंज करने के लिए. सब में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, सब में. तो आई वॉज लाइक कि भाई मुझे चाहे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े रेंट, बट आई विल ब्रेक दिस पैटर्न इन माई लाइफ. फाइनली वी गॉट अ हाउस जिसमें नॉर्थ ईस्ट में कोई इशू नहीं है, मतलब इट इज क्लीन एकदम. वाओ, परफेक्ट. सो ये पैटर्न्स यस लाइफ में फॉलो करते हैं निधि जी, राइट? सो बस यही शेयर करना था. जी जी जी. मनीष ने पूछा, आई थिंक साउथ ईस्ट इसका, सो वी हैव टू यूज रेड या ग्रीन टू एक्सटेंड. वी हैव टू ग्रीन. अभी एक्सटेंड कैसे करना है इसका टॉपिक कल आएगा, मैं उस पे डिटेल में बात करूंगा. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि बार चार्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, वो डिटेल में बात करनी चाहिए. मैं दोबारा कल उस पर बात करूंगा. क्या एक रेंट के रूम को भी, यस, वास्तु को नहीं पता. रीना जी को आप उस पर लगाएंगे अनम्यूट पे. वास्तु को नहीं पता कि आप रेंट पे रहते हैं कि परचेज है, तो यस वो इफेक्ट उसी को कहता है, करता है जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं. आर्थराइटिस की प्रॉब्लम किस लिए होती है? वात वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम होने से होती है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम. जब हड्डियों के अंदर वायु भर जाती है तो उसके कारण आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है. और वेस्ट में कोई दिक्कत होती है, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखोगे तो शनि के कारण आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है. तो वेस्ट में इश्यूज होने के कारण आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है. जी निधि जी. रीना जी. हेलो सर, थैंक्स अ लॉट. सबसे पहले सर मैं आपको ये पूछना चाहती थी, मान लीजिए 4-5 प्रॉपर्टीज हैं अगर, तो सारी प्रॉपर्टीज का वास्तु ठीक करना जरूरी है, या जहाँ आप रह रहे हो उसी का वास्तु ठीक होना जरूरी है? जैसे फार्म हाउस है, रहते हो, फार्म हाउस का भी ठीक करना, बस जहाँ रहते हैं वहीं का. वो अच्छी बात है अगर आप कर लो, क्योंकि वास्तु सही करने का कोई नुकसान नहीं है, पर हाँ इफेक्ट आपको वही करता है जहाँ पर आप रहते हो. ओके, थैंक यू सर. जी सर, मेरा क्वेश्चन है, सपना जी क्या क्वेश्चन? सुनीता जी, रिमूव नेगेटिव ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. What about bathroom pipelines? Bathroom pipelines का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है सौरभ जी. सर वेट इंक्रीज का जोन, वेट इंक्रीज करने का या वेट इंक्रीज है उसका, तो ये दोनों बातें अलग अलग है. सो साउथ वेस्ट अगर कम होता है तो वेट इंक्रीज हो जाता है, साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ होता है तो वेट कम होता है. या अर्थ एलिमेंट आपके घर में साउथ वेस्ट में ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो वेट है वो थोड़ा सा कम रहता है इन जनरल. बट इसको हेल्थ इश्यूज में ना काउंट करते हुए अगर आप फिजिकली फिट हो या आपकी प्रकृति ऐसी है तो आई डोंट थिंक कि उसको काउंट इन करना चाहिए. जी राधा जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आप बात करेंगे. अपॉर्चुनिटी भर भर के आती हैं पर क्लिक नहीं होती, क्योंकि साउथ ईस्ट में दिक्कत है ज्योति जी आपके, इसके कारण ऐसा होता होगा. साउथ ईस्ट में कोई ना कोई दिक्कत होगी, दिक्कत है ही, तो उसके कारण ऐसा होगा. वो क्या दिक्कत है वो आप चेक कर लीजिए, जैसे वाटर एलिमेंट होना, ब्लैक कलर वहां पर होना, किसी भी तरीके से साउथ ईस्ट बड़ा हुआ होना, एंट्रेंस होना, इस तरीके के इफेक्ट के कारण अपॉर्चुनिटी क्लिक नहीं होती. एंट्रेंस ट्रीटमेंट, ओके. सो राधा जी मैं आपसे इसके बाद में बात करूंगा, पहले हम आपको एंट्रेंस ट्रीटमेंट की वीडियो, कई लोगों ने बोला कि उसकी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाता हूँ एंट्रेंस और टॉयलेट ट्रीटमेंट की. सो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ये टॉयलेट जो सीट है इसके पास में लगभग थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हम यहां पर भी कर सकते थे, जहां पर इंप्लीमेंटर को सही लगा उसने वहां पर किया. और यहां पर एक हम सिर्फ स्ट्रिप वाली दिखा रहे हैं, उसने कटिंग करनी स्टार्ट करी. ये ऐसे कटिंग होती है, ये कटिंग करनी स्टार्ट करी, आगे करेंगे.
और ये पूरी कटिंग लास्ट तक करते हैं, पूरे लास्ट तक यहाँ तक कटिंग होती है, और दीवार में भी थोड़ा सा इनपुट दिया जाता है उस बात का। आप देखेंगे ये कटिंग होती जा रही है और आगे और आगे कर दीजिए जी। अब आप ये देख पाएंगे कि इन्होंने उस जगह को साफ किया, साफ करने के बाद ये यू बन गया है वहां पर, और पूरा लास्ट तक जहां तक दीवार है वहां तक इन्होंने उस ग्राइंडर को या जो ड्रिल है उसको चलाया ताकि वो दीवार तक आपकी पत्तियां टच हो जाएं। ये देखिए पूरा लास्ट तक इसको चलाया गया है ताकि वो टच हो जाएं। अब उसके बाद में आगे करेंगे, सफाई करना मतलब आपकी अपनी चॉइस है। ये इन्होंने पत्ती इस तरीके की स्ट्रिप आती हैं बाजार में या तारें आती हैं वो डाली, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करी, 1 इंच खड़ी पत्ती को हमने जमीन के अंदर डाला, बिना ब्रेक किए यूं घुमाते गए और तीनों तरफ डाल के उसको क्लोज कर दिया इस तरीके से। उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट या जो भी सीमेंट आपको ठीक लगे उससे आप उसको भर के बंद कर सकते हैं। इस तरीके से एक फिजिकल ट्रीटमेंट होता है किसी भी टॉयलेट का। बस आगे डन, आगे करेंगे एंट्रेंस ट्रीटमेंट। सेम इसी तरीके से कोई एंट्रेंस है, जैसे ये एंट्रेंस है तो आगे या पीछे जहां पर भी हमें जगह मिले वहीं पर हम कट लगाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को अटैच करना। अगर हम गेट पे करते तो यहां तक अटैच करते, क्योंकि ये दूर से कर रहे हैं तो इन्होंने दीवार को चूज किया यहां और इस कॉर्नर में। अगर आप देखेंगे तो दोनों कॉर्नरों में दीवार को इसने चूज किया है और ये स्ट्रिप इन्होंने एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक डालनी स्टार्ट कर दी है। इस तरीके से स्ट्रिप्स का इंप्लीमेंटेशन होता है और उससे बेनिफिट हो जाता है और आपकी एंट्रेंस ब्लॉक हो जाती है। डन, आगे जूम। आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंट्रेंस के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, टॉयलेट के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। चंचल जी बात करेंगे, राधा जी एंड चंचल जी आप लोग बात करेंगे। ऑटिज्म प्रॉब्लम कौन से जोन से होता है, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, और बेसमेंट का हेल्थ पर क्या इफेक्ट है। बेसमेंट का हेल्थ पर कोई खासा इफेक्ट नहीं है, बेसमेंट को इंडिविजुअल एंटिटी मानते हुए इंडिविजुअल ग्रिड करेंगे और उस पर चेक करेंगे, बेसमेंट का डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता है। किसी किसी केस में अगर आप देखोगे तो सिर्फ साउथ वेस्ट में अगर बेसमेंट हो, सिर्फ साउथ वेस्ट में अगर बेसमेंट हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी के इश्यूज देता है और बीमारियां दे सकता है। रेस्ट किसी भी दिशा में बेसमेंट एज सच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। यस, इफ वी ब्लॉक टॉयलेट इट विल गिव 100% रिजल्ट। जी कौन बात कर रहे हैं अभी, चंचल जी प्लीज बात करेंगे। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चंचल जी। सर मेरे को नॉर्थ ईस्ट में टेलीस्कोप रखने के प्रोस्पेक्ट सर पूछने थे, जैसे मेरे बच्चे को टेलीस्कोप चलाने का शौक है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रखा है तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा। दोनों बातें हैं, अच्छा भी रह सकता है और बुरा भी रह सकता है। पर्सपेक्टिव क्या है, कई बार टेलीस्कोप नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच देनी स्टार्ट कर देता है, जैसे मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा या कुछ भी बातें दिमाग में घूमनी स्टार्ट हो जाएंगी जो प्रैक्टिकल ना हो, दूरंदेशी दे देता है। और किसी किसी केस में ये भी देखा है कि बंदे का विजन बहुत दूर का हो जाता है, बहुत दूर की सोच देता है, बहुत अच्छा विजन डेवलप कर देता है। सो उसको वहां पे रखिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। आप चेक कीजिए कि इन दोनों में से कौन से सिम्टम्स आपके बच्चे के ज्यादा है, अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसको शिफ्ट कर दीजिएगा। अगर वो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट दे रहा है, जैसे कि वो दूरंदेशी हो चुका है, दूर की सोच रख के काम करता है, विजन लाइफ के लिए बहुत बड़ा हो चुका है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है। जी सर, मैंने अपने घर का मैप ग्रिड कराया था तो सर अभी मुझे पता चला कि वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है,
जी और सर एजुकेशन और सेविंग्स का जोन है, तो मुझे एजुकेशन में तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं फील होती है, लेकिन सेविंग्स में प्रॉब्लम जरूर फील होती है सर। जी तो आप उसको ट्रीट करा लीजिए। ठीक है सर, मतलब इस चीज की वेट नहीं करनी है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो भी हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। नहीं जी, आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं, ऐसा कोई गैप नहीं। ठीक है सर, जी आर्या जी, आर्या जी बात करेंगी, आई थिंक राधा जी से बात नहीं हो पाई, वो बात करेंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग बात कर रहे हैं वो आज हेल्थ के टॉपिक पर ही रखने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि बाकी लोग भी उस बीमारी से रिलेट कर पाए और जोन को ढूंढ पाए, जोन से रिलेटेड बात कर पाए या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं। राधा जी, आर्या जी, ओके। नमस्ते सर। नमस्ते आर्या जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर अपन किसी घर में रहते हैं और अपन ने फिर वो घर चेंज कर लिया तो उस घर के जो इफेक्ट्स हैं वो उस घर पे भी अपन को पड़ेंगे क्या? नहीं, जब घर चेंज हो चुका है तो उसके कोई भी इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर नहीं रहती किसी भी हद तक। जैसे चेंज हुआ उसके 10-20 दिनों में वो इफेक्ट चले जाते हैं। थैंक यू सर। कैंसर विच जोन? कैंसर रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट के कारण। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट होती है तो वहां पर कैंसर होता है। नॉर्थ ईस्ट में फायर एलिमेंट होने के कारण भी कैंसर होता है। आई वांट टू टॉक टू सर, मेरी सर्जरी हुई है। जी राधा जी बात करें। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जैसे अभी मेंशन किया था कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज रहती है, कॉन्स्टेंट हेल्थ इश्यूज रहती है, तो उसमें एक तो हम रीजन देखते हैं कि अपना हेल्थ एंड इम्यूनिटी जोन ही जो होता है वहीं से आ रही है क्या? बट अगर जो हेल्थ इश्यूज हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, जैसे कुछ गायनी इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज हैं किसी को, कुछ ब्रेन रिलेटेड हैं, तो फिर हम वहां कैसे देखेंगे जो हेल्थ इश्यूज मल्टीपल जोन से आ रही है? अगर रेगुलर हैं और अलग अलग हैं उसके लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही देखा जाएगा। रेगुलर हैं और अलग अलग हैं तो भी हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को ही देखेंगे और साउथ साउथ ईस्ट भी देख सकते हैं, मेजरली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ओके एंड सर जैसे कि मैंने कहीं तो सुना है कि जब आप एक जैसे नॉर्थ ईस्ट अगर किसी का डैमेज है तो वो साउथ वेस्ट भी इंपैक्ट करेगा, तो वो पूरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक्सेस डिस्टर्ब नहीं होती है? नहीं। ओके एंड सर साउथ वेस्ट में आपने हार्ट वाला वो क्यों बोला था कि किसी को हार्ट इश्यू है तो हम साउथ वेस्ट से कैसे देखेंगे अर्थ एलिमेंट से? क्योंकि साउथ वेस्ट आपका अर्थ एलिमेंट है और आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो आपका खाना बनने के बाद में जब आपका खून फिल्टर होके खून बनता है और दौड़ता है, उसकी फिल्ट्रेशन का काम, उसको सही करने का काम साउथ वेस्ट करता है। आपकी बॉडी का कोर भी साउथ वेस्ट है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी अर्थ एलिमेंट है। आपकी बॉडी के अंदर फैट भी अर्थ एलिमेंट है। तो जब फैट एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी में हार्ट अटैक्स आते हैं, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थ रूपी कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाएगा आपको हार्ट अटैक्स आते हैं। अगर वहां पर पानी की टंकी है ऊपर, स्पेशली जो मैंने बोला, तो एक तो हाइट मैक्सिमम हो जाती है, दूसरा उससे आपकी हार्ट बीट्स बढ़ने का, दूसरा पानी वहां पर होने के कारण बॉडी के अंदर जो रेगुलर फ्लो है वहां पर क्लॉट्स, पानी के क्लॉट्स बन जाने के कारण वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आप देखेंगे जो पानी की टंकी है दैट इज अ ब्लॉक्ड वाटर, एक कंटेन्ड वाटर है, जबकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉक्ड वाटर सिर्फ किडनीज में होता है फिल्टर करने के लिए, रेस्ट सारा मूवमेंट में होता है। तो आपके ब्लड के अंदर वो ब्लॉक बनेगा जिसके कारण हार्ट अटैक्स के इश्यूज आते हैं। सर वैसे तो सजेस्ट करते हैं कि फिर पानी की टंकी किधर रखनी चाहिए, ओवरहेड पानी का टैंक? वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट होता है? वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में? ओके सर, थैंक यू। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है वेस्ट का कि वेस्ट के जो देवता है वो वरुण देवता है और वरुण देवता पानी के ही कारक, तो वहां पर रखने से अर्थ एलिमेंट के रूप से देखेंगे तो उसको सपोर्ट करेगा, स्पेस को अर्थ सपोर्ट करता है, हाइट अच्छी होती है, स्पेस की हाइट हमेशा अच्छी होती है, इसलिए वहां पर अर्थ एलिमेंट अगर ओवरहेड वाटर टैंक है तो वो हाइट भी देगा, वेट भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा, गेन्स भी देगा। और वरुण देवता जो है वो अपने आप में पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश में बकायदा लिखा गया है कि किसी भी तरीके का जल का स्रोत जीवन, जैसे कि वॉशरूम सिर्फ अगर हो, बाथरूम अगर हो जहां पर हम स्नान करते हैं नहाते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से देखा जाता है। लॉजिक्स बहुत सारे हैं, वो हर बात के लॉजिक भी होंगे और पर वो धीरे धीरे पूरे सफर में आपको समझ में आएंगे। बहुत सारी चीजें देवताओं से रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीजें के बहुत
अलग लॉजिक है, कोई न्यूमरोलॉजी पर है, कोई एस्ट्रोलॉजी पर है, कोई एडवांस की एनर्जीज पर है, कोई जियोपैथिक स्ट्रेस पर है, कोई आपके माइंड से रिलेटेड है. सो लॉजिक्स बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन जो आपने पूछा उसका जोनल एट्रीब्यूट के हिसाब से यही लॉजिक है. ऑपरेशन ज्यादा क्यों होते हैं? ऑपरेशन होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है जब आपके वाटर और फायर जोन्स आपस में मिल जाते हैं, या वाटर और फायर एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं, तो ऑपरेशनल इश्यूज देता है आपके घर में, या मार्स का हिट पहले घर पे होने से. सर ड्रग एडिक्शन किस जोन से करना होता है? से करना होता है, मेरे को करवाने का सही में नहीं पता, पर अगर ड्रग एडिक्शन है तो उसके लिए एक एंट्री होती है W8 और रुद्र देवता जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है, उसको बैलेंस किया जा सकता है. साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के लिए वॉटर टैंक वहां रखने के लिए सजेस्ट करते हैं. ये ऊंचा नीचे वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझते हो, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है ऊंचाई का और निचाई का. हाइट है वो हैवी है, उसको ऊंचा करने का क्या पर्पज है समझ से बाहर है. उसमें लिखा गया वो भारी चीजों का, भारे व्यक्तियों का स्थान, पितृ का स्थान है, तो लोगों ने उसको ऊंचा बना दिया. उसका ऊंचा बनने का कोई भी लिंक नहीं है. जी रीना जी बात करें, रीना जी को लगाओ. रीना जी बहुत देर से गए. सर बात करते वक्त हकलाना किस जोन से प्रॉब्लम हो सकती है? नॉर्थ से हकलाने की जो प्रॉब्लम है, अटकने की जो प्रॉब्लम है, ये फ्लो का टूटना. नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट होता है तो फ्लो ब्रेक हो जाता है, ब्लॉकेज लग जाती है बीच में. सर थायराइड इश्यूज के लिए क्या होता है? थायराइड इश्यूज के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ओके, और सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ओके सर. अगर घर के लोग सर वास्तु में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, तो कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या कि वो लोग मेरी बात मान लें, कुछ चीज घर का चेंज करूं कि बाकी लोग भी माने? मेरी फोटो खींच के बढ़िया सी नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए. लगा चुकी सर. नहीं सर, अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, तभी नहीं हुआ शायद विश्वास. विश्वकर्मा प्रकाश, जो भी बुक्स हैं हमारी, विश्वकर्मा प्रकाश स्पेशली जहाँ से स्टार्टिंग हुई, उस बुक को नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो काफी हद तक विश्वास बनता है, और वेस्ट में रखने से भी लोगों का विश्वास बनता है. फैमिली एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के लिए कदर करे, एक दूसरे की भावनाओं पर, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में फैमिली फोटो लगाने से एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. सर बाकी सब चीज ठीक है, एक्सेप्टिंग फॉर वास्तु जहां आता है ना, तो बातें सब क्लैशेस होने लगती है. हाँ, इसीलिए मैंने पहले बोला कि बुक रखने की ज्यादा जरूरत है. ठीक है सर, थैंक यू. ब्रीफ अस अबाउट एडवाइजेबल डायरेक्शन ऑफ स्लीप. क्या मतलब? मेडिटेशन करवाएं. मेडिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, when you say meditate and you say to breathe in, I feel like to breathe got stuck in chest. मेडिटेशन कराएं या आंसर दें? फॉर मेडिटेशन ऐसे और फॉर आंसर ऐसे कर लो. चलो मतलब अब जिसके नहीं आए उसका अंगूठा तो यूं है और जिसके आगे उसका. तो मेडिटेशन करवाते हैं. आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू सुप्रिया ज्योति. आंसर्स, ओके, कई लोगों के आंसर्स हैं. ओके, 6 बजे हैं, हम 6:15 पे मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे. 15 मिनट में मैं फटाफट से आंसर्स दे देता हूं सभी लोगों के. डन. 2 questions एक एक करके काम करते हैं हम लोग, यहीं से चैटिंग से ले लेते हैं, अदरवाइज वो टाइम ज्यादा लग जाता है बात करने में. मनीष शर्मा, इफ टॉयलेट इज नॉट गेटिंग यूज एंड वी हैव एक्चुअली मेड हिम स्टोर विल इट, यस, यूज करो या ना करो, अगर वो घर में है तो वो प्रॉब्लम देती है. सर पेमेंट नहीं मिलने का कारण? मोई जी नहीं पता मेरे को, टाइम पे मिल रही है पेमेंट्स. आई वॉन्ट टू टॉक टू सर, मेरी सर्जरी हुई है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट. रंजना जी को अनम्यूट करो, मैं बात करता हूँ. Open gallery in south of that entrance required to block. It depends on the symptom. If symptoms are there, yes, you need to block that. But in most of the cases, in 99.9% cases, balcony entrance does not affect at all. So it depends on the symptoms. Please try to match every problem with the symptoms. Please guide as we miss the first meditation.
ओके मैं मेडिटेशन करवाऊंगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉज होता है पर्सनैलिटी, मतलब जिसकी जैसी अच्छी होती है वो बंदा वहां पर खींच लेता है. सो इफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मेजर रीजन, बहुत ज्यादा मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो इसका कोई लिंक बैठता नहीं है, बनाने पड़ते हैं. मतलब ऐसा था तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा था. साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है और नॉर्थ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, उसके कारण ऐसा होता है. कुंडली से ज्यादा ये सब चीजें ज्यादा मैप होती हैं. मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो कुंडली से पता ज्यादा लगता है कि इंसान की लाइफ में पार्टनर्स कैसे होंगे, कितने होंगे. वास्तु से हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट को अगर आप चेक करते हैं तो उससे देखा जा सकता है, जैसे राधा कृष्ण घर में होने से. या पर वो भी हर किसी घर में मेरे को नहीं मिले, मैंने बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल वाले घरों में काम किया पर नहीं मिले, सच्ची नहीं मिले, बहुत जगह पर नहीं मिले, कई कई जगह पर मिले भी. सो इट डिपेंड्स, कोई लॉजिकल रीजन इसका नहीं है. हाँ, आप दोनों जोन्स को चेक कर सकते हैं. और साइनस का प्रॉब्लम वाटर एलिमेंट बड़े होने से या वाटर एलिमेंट के जोन में सोने से साइनस होता है. अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर आप नॉर्थ साउथ एक्सिस पर नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो साइनस की प्रॉब्लम्स होती हैं. मेरा किस कौन लाइन पे भी, रंजना जी बात करें प्लीज. हाँ जी सर, एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग ने जब अपना अभी घर रेनोवेट, नया घर बनवाया, तो जब नींव डली हमारे घर की, तो नींव डलने के बाद से ही मेरा जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में बना, उसकी नींव वहीं डली. तो उसके बाद ही मेरे को, मेरा बहुत मेजर सर्जरी हो गया, मुझे ट्यूमर डिटेक्ट हुआ. और अभी भी मेरा किचन, ये तो अभी मुझे पता चला है, बट मेरा किचन नॉर्थ ईस्ट में ही है और मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी फ्रैक्चर कभी कुछ. और वैसे ही एक और मिस्टेक जो मुझे अब आपके उससे पता चली कि साउथ वेस्ट में मेरा वॉशिंग मशीन रखा है, तो दोनों ही एलिमेंट्स बिल्कुल उल्टे हो गए. वाटर की जगह पे फायर हो गया और फायर की जगह पे वाटर आ गया. तो अब हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब ना हम किचन चेंज कर सकते हैं और अब एक मतलब अपार्टमेंट है उसके अंदर तो वैसे ही. अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है ना, तो किचन का बर्नर सिर्फ अगर आप शिफ्ट कर दें ईएनई या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, अगर किचन अलाउ करती है तो. और कोई ऑप्शन नहीं है रंजना जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. अगर बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट की किचन के इफेक्ट आप लोगों को दिखते ही रहेंगे. बहुत मुश्किल से कोई रेमेडी काम करती है, और वो भी सिर्फ आप अपनी लाइफ को एक झूठा वादा कर रहे होंगे. तो अगर उसी किचन के अंदर कोई और जोन आता है जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईएनई, वहां पर बर्नर शिफ्ट कर दीजिए, यू विल फील समथिंग बेटर. बहुत सारे लोगों के 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 क्वेश्चंस कैसे करेंगे सबसे बात. थैंक यू सर जी. पेंटिंग इन ईएनई इज ग्रीन कलर स्टोन इन N4N5 एंट्रेंस कैन इट ब्लॉक देम. सर यूरिक एसिड एंट्रेंस या टॉयलेट के बाद इफेक्ट खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट किया तो गुड इफेक्ट आएंगे एंट्रेंस. हाँ बिल्कुल आएंगे. बैड इफेक्ट बंद करना और गुड इफेक्ट लेना दोनों अलग अलग बातें हैं. सिंस आपने एंट्रेंस का क्वेश्चन पहले लिया था इसलिए पूछ रहा हूँ. विजय कुमार जी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने कि क्या किसी चीज को ट्रीटमेंट करने के बाद गुड इफेक्ट आएंगे. डिपेंड ऑन योर थिंकिंग. कैसे, मेरे को जब तक पेन नहीं है तब तक मैं खुश हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. जब पेन होता है तब इंसान इसी बात पे लगा होता है कि मेरा वो पेन दूर हो जाए. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. हाँ ट्रीटमेंट के बाद में पहले बैड इफेक्ट खत्म होते हैं फिर गुड इफेक्ट्स आने स्टार्ट होते हैं. अलग अलग रेमेडीज करी जाती हैं कि आप लाइफ में क्या आउटकम चाहते हो उसके बेसिस पर. इनिशियली रेमेडीज सिर्फ आपके पेन को दूर करने के लिए होती हैं, जैसे जिसका हाथ टूटा होगा उसी के हाथ पर प्लास्टर बांधा जाएगा. जिसका हाथ सही है वो अपने हाथ को इस्तेमाल करे या ना करे ये उसके ऊपर है. तो यस रेमेडीज हमेशा उस चीज की करी जाती हैं जिसका पेन है. हैप्पीनेस के लिए अलग से हमें और उपाय करने पड़ते हैं, रेमेडीज लगानी पड़ती हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए लाइफ. सर एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. जी रंजना जी पूछिए फटाफट. सर आपने बोला जो ये फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं उसका क्या रीजन हो सकता है सर, मतलब हार्ड कैश नहीं रुक रहा है. साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी. साउथ ईस्ट नहीं रुक रहा है आपने बोला है, तो वाटर एलिमेंट है वहां पर. Facing some problems like Sunita ji, but we have AC unit in Northeast. Northeast ki kisi bhi cheez ka koi ilaaj nahi hai. So planting in East Northeast is good. Southeast mein underground water tank can give
gall bladder or which all issues to the lady of the house. Yes, obviously, southeast में मैंने आपको बताया कि पित्ताशय जो अग्नि से जितने भी related आपके organs हैं उनसे related दिक्कत देता है, तो southeast के अंदर underground water tank problem देता है. कैसे treat करें जब अग्नि के अंदर पानी आ जाएगा, तो कैसे treat करेंगे? वहाँ पर green color add कर देंगे उस water tank के आस पास, उस water tank के ऊपर, या हरे plants उस tank के ऊपर रख देंगे, तो वो treat हो जाएगा. सर मनी ब्लॉक है, रिकवर नहीं हो रहा. सर आई वांट टू स्पीक टू सुप्रिया जी को लगाओ. सुप्रिया जी वांट्स टॉक टू मी. सर स्लो लर्निंग का क्या रीजन होता है? स्लो लर्निंग का रीजन होता है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसा पड़ा है जो स्लो है, नॉलेज नहीं मिल पाती. वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है इसके कारण लर्निंग स्लो हो जाती है, आपको चेक करना है. जी सुप्रिया जी बताएं. सर मुझे लोअर बैक पेन है सर पिछले 7.5 ईयर से, और उसका रूट कॉज डायग्नोज नहीं हो रहा है, और पिछले 2-3 साल से मुझे अपर बैक और शोल्डर में भी पेन हो रहा है सर. तो साउथ वेस्ट में दिक्कत है सर? साउथ वेस्ट में ऐसे कोई भी हैवी आइटम नहीं है, हमने चेक किया है. डन. साउथ वेस्ट में कोई भी हैवी आइटम नहीं है. लोअर बैक पेन स्टार्ट कैसे हुआ सर? जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, प्रेगनेंसी के टाइम पे, बस तब से कंटिन्यूस चल ही रहा है सर. जो इंजेक्शन लगता है क्या वो उसका दर्द है? चेक करवाया? नहीं सर उसका नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी. ओके डन. तो ईएमई और वेस्ट आपको चेक करने हैं. वेस्ट में क्या है आपके घर में? म्यूट कर दिया आपने. सुप्रिया जी म्यूट हो गई हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. वेस्ट में क्या है आपके घर में, आपको वो चेक करना होगा. रोहिणी जी मेरे से बात करना चाहती है, सपना जी मेरे से बात करना चाहती है, अरुण जी मेरे से बात करना चाहते हैं, सभी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, हम सबसे कैसे बात करेंगे? जी सुप्रिया जी बात करें. वेस्ट में, वेस्ट में जी, तो वेस्ट में हमारे बालकनी है, और मतलब कटा हुआ है वो पोर्शन, ज्यादा एरिया नहीं है उसमें. जी सो आप वेस्ट को बैलेंस कीजिए, वहां पर येलो कलर ऐड कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा काफी इस प्रॉब्लम. सर वहाँ पे येलो कलर की टेप भी लगवा रखी है, बैलेंस की. टेप से कुछ नहीं होता, टेप लगाने से कभी कोई जोन नहीं बढ़ता, कलर पूरे जोन में होगा या बल्ब लगेगा. जोनल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करनी है इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा डिटेल में, तो आप वहां पर देखिएगा. स्कर्टिंग पे टेप से कोई इफेक्ट नहीं आता. और सर साउथ वेस्ट में जैसे हमारे खिड़की है उसका भी कुछ इफेक्ट है, खिड़की या दीवार का? डिपेंड करता है, अगर वो मरमा पे आ गया है तो उसका इफेक्ट हो सकता है जी. ओके सर. बट मेजरली 5 मिनट डन. सो जिन जिन लोगों को ब्रेक चाहिए वो लोग जाएं, ब्रेक लेके आए. 6:15 पे हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक जो लोग हैं उनके मैं डाउट्स दूर करता हूँ. मैं खुद 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेके आऊंगा, और पानी, गर्म पानी आप सभी लोग अपने पास रख लेंगे जो लोग मेडिटेशन में आना चाहते हैं. सर वेस्ट को बैलेंस करने के लिए आपने येलो बल्ब. सुप्रिया जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी. सर मैं ये पूछ रही थी कि वेस्ट को बैलेंस करने के लिए आपने बोला कि वहाँ येलो कलर का बल्ब लगाना होगा जी, और सर कुछ और भी करना है वहाँ पे? नहीं, येलो कलर अलग अलग तरीकों से ऐड किया जा सकता है. कल हम इस पर डिटेल में बात करेंगे सुप्रिया जी, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि किस किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं. आप उनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं. मैं क्या बात का जवाब नहीं दे रहा, मतलब रोहिणी जी बात करें फटाफट. लिखिए लिखिए, और कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन हेल्थ से. साउथ वेस्ट में किचन है, वेस्ट साउथ में शिफ्ट कर दें येलो कलर का. मेरे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग किस एंगल पे चल रहे हैं मोहित भाई, कैसे करें? आप लोग क्वेश्चन पूछिए जो सेशन से रिलेटेड हो, अदरवाइज हम भटक जाएंगे. एक पूरा सेशन इस बात के लिए मैंने स्पेशली रखा है जिसमें आप सभी लोग और दूसरे लोग आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे. तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अदरवाइज सबको प्रॉब्लम आएगी. हेल्थ का क्वेश्चन है, अनीशा ने बात करनी है, आई थिंक अनीशा जी ने बात करनी है. आर्थराइटिस का प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ, वेस्ट के कारण होता है अक्सर. दिस इज 6th टाइम साइनस प्रॉब्लम है मेरी बेटी को. उसका सर सोते समय ईस्ट जोन की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट या साउथ की तरफ कैसे होता है, रूम कहाँ पर है, क्या नॉर्थ बड़ा हुआ है, ये सब चीजों को आपको चेक करना है. अगर आपके जोन बड़े हुए हैं तो कौन है जी? संदीप भाई बोलो फटाफट. सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा ओवर टैंक जो है अर्थ एलिमेंट है,
हाँ। तो इसको मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आरओ फिल्टर का टैंक भी फिर अर्थ एलिमेंट है, फ्लश टैंक भी और अंडरग्राउंड टैंक सब अर्थ एलिमेंट है। जी अर्थ एलिमेंट है। तो आरओ फिल्टर जैसे सर ईस्ट में लगा हुआ है तो गलत है? गलत सही नहीं होता, डिपेंड करता है कि ओवरऑल क्वांटिटी क्या है। जैसे अगर मैं अर्थ एलिमेंट वाटर टैंक की बात करता हूं तो वो आपके घर में सबसे बड़ा अर्थ एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किचन आपके घर में सबसे बड़ा फायर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसे तो एक भरा हुआ पानी का ग्लास भी अर्थ एलिमेंट है, सो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ज्यादातर आरओज आर ब्लू इन कलर और ग्रे इन कलर, तो वैसे भी उसको बैलेंस कर लेते हैं। तीसरी बात ये कि उसमें कुछ हद तक फ्लो में रहता है और वाटर में टैंक में बहुत ज्यादा नहीं रहता, और रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग है। जैसे मैं बात करूं किडनी, आपकी किडनी के अंदर जो यूरिन रहता है, जो वाटर रहता है, वो भी कहीं ना कहीं रहता है, बट दैट इज नॉट अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो एक कॉन्टिन्यूसली रुका हुआ है, जो सबसे मेजर एलिमेंट आपके घर में सबसे ज्यादा चीज को होल्ड करता है, दैट इज योर वाटर टैंक, नॉट योर आरओ। ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसलिए वो प्रॉब्लम सेम नहीं। तो सर हमारे घर में नॉर्थ में अंडरग्राउंड टैंक है जी, तो वो भी एक तरह से, वो तो बड़ा गलत गड़बड़ हो गया मामला ना? नहीं, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुआ। ओवरहेड वाटर टैंक पर और अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर हम बाद में आएंगे संदीप जी, अभी ये टॉपिक्स पड़े हैं। अभी हेल्थ पर बात करते हैं। जैसे मुझे ये प्रॉब्लम है और ये मैच नहीं हुई, अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाटर एलिमेंट होता है। अच्छा सर, अस्थमा, अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए बता दीजिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में एसी होने से अस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है, और साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी एसी होने से या ठंडा कुछ भी होने से, कोई फ्रीजन आइटम होने से, बहुत ज्यादा डार्किश ब्लू कलर होने से प्रॉब्लम्स आती है। सर टॉयलेट की रेमेडी फोर साइड पे कर सकते हैं स्ट्रिप जो है? बिल्कुल कर सकते हैं फोर साइड पे। डन। हेलो 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 वरुण भाई बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मैं ये पूछना था सर, मेरी टॉयलेट जो है WBC सर, एक्चुअली मैं बिल्कुल साउथ वेस्ट की एक्सिस पे है सर, मृग में आधी आती है, आधी भृंगराज में आती है सर जी। तो सर मेरे पैरों में दर्द रहता है। भृंगराज तो, भृंगराज तो साउथ वेस्ट में होता ही नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सर, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मृग में ज्यादा है, कुछ परसेंट भृंगराज में आती है सर, मृग में है पूरी टॉयलेट। पैरों में दर्द होता है जी सर, घुटने के नीचे सर, ये पैरों में बहुत दर्द रहता है। जब मैंने पीली पट्टी का टाइल लगवा रखा है सर उसमें चारों तरफ से, और अगर मरमा हित है तो मरमा का कोई इलाज नहीं है वरुण। ओह, और सर वो एक्चुअली में सीट भी लाल कलर की है। ओके, सीट भी लाल कलर में है, हाँ तो उसको चेंज करवाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, पत्ती डालने से उसका इलाज नहीं होता। तो सर किसी ने मतलब जी सर एक्चुअली में अभी सॉरी टू से बट यू आर डूइंग पार्शियली आंसरिंग ओनली पर्टिकुलर पर्सन। मेरे फेवरेट हैं जी कोई कोई लोग ना, मैं उन्हीं का आंसर ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ये मेरी आदत में है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है, यू कैन गो, आप जाएं और आप जिंदगी यापन करें बहुत अच्छी सी। मैं आपके साथ में रहूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेंगी। जब आप मेरे फेवरेट हो जाएंगे तो मैं आपका भी आंसर करूंगा। इट्स देवशीष वन क्वेश्चन ऑन मर्मा। इट्स देवशीष वन क्वेश्चन ऑन मर्मा। सर यूरिक एसिड को कैसे देखेंगे? सर शॉर्ट टेम्पर होना इज रिलेटेड टू साउथ। सर कैन आई स्पीक टू यू? 6:15 हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगे रहेंगे, जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे पार्क कीजिए, आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे। आंसर सभी को मिलेंगे, सभी की आदत है बार बार बोलने के बाद भी अपनी तरफ देखते रहना। वरुण ने शुरुआत में बड़ी अच्छी बात करी कि सर सब ऐसा करते हैं, सब ऐसा करते हैं, सब अटके रहते हैं। ये आदत गलत है। जब आप किसी को पार्शियली आंसर कर रहे हो तो स्क्रीन पर जो दिखता है, जिसका मैसेज आता है, 500 मैसेज एक मिनट के अंदर फ्लक्चुएट हो जाते हैं सामने स्क्रीन पर, पढ़ना मुश्किल है। स्क्रीन से निकली हुई रोशनी मेरी आंखों के बहुत क्लोज है, हर्ट करती है। मेरे कैमरे के पीछे लगी हुई 3-4 रोशनियां आंखों को दर्द देती हैं, इसलिए कुछ मिस हो जाता है। आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, आपके आंसर्स नहीं मिल रहे, आप लोग गुस्सा हो, नाराज हो,
आपका बोलना बनता है, पर तरीका सही रहना चाहिए। पार्शियली अगर मैं होता या मैं हूं, मैं वाकई में अगर मैं बात करूं, हर इंसान होता है, आप भी होगे, मैं भी हूं। मुझे नहीं पता आप कौन हो, आपका नंबर मैंने कल स्ट्रिक्ट रूल्स में बोला है, स्ट्रिक्ट रूल्स में कि उन्हीं लोगों को जवाब दिया जाएगा जिन लोगों के नाम सही होंगे। मैं कैसे बताऊं कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6E51 ये वो करके, कैसे मुझे सिखाइए कि आपके नाम को मैं कैसे प्रनंस क्यों करूं, 6 5 SC ये करके जो नाम आ रहा है। समझिए बात को, दूसरों की प्रॉब्लम जब सॉल्व होती है ना, जब तक आप उसके अंदर झांक के नहीं देखोगे कि बेचारे का भला हुआ, आपकी हो नहीं सकती। सभी लोगों के साथ में हूं, मेरा टाइम लोग 3 से 5 बोलकर 3 से 4:30 चले जाते हैं, कोई मैं अपने आप को बड़ा या उस तरीके से बात नहीं कर रहा, 3 से 6 बोलकर 3 से 7 और रात को 2-2 बजे तक हम लोगों ने बातें करी। लाइफ में ना खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी बातें मैंने आपको दी हैं, इन बातों तक पहुंचने में 5 साल का समय लगा है। हेल्थ के ऊपर और इस सेशन में कितने भी पैसे दे के एक भी दुनिया का कोर्स कोई भी बता सकता है, मुझे क्लेम कर दे कि इससे ज्यादा कंटेंट पैसे देने के बाद में एकमात्र कोर्स में मिला तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई क्लेम नहीं कर सकता, पैसे देकर भी मुझे इतने पैसों में ये चीज मिली। मुझे दुख नहीं है, मुझे गिला नहीं है किसी से, मेरी मुहिम दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है। अगर आप लोगों में ये पेशेंस नहीं डेवलप हो पा रहा कि आप किसी दूसरे के लिए काम कर सकते हो, तो आप लोग लायक नहीं हो पाओगे इस फील्ड के, खुद का भी नुकसान करोगे और दूसरे का भी। मैंने थोड़े दिन पहले एक लाइन बोली थी जब हम रात को मेडिटेशन कर रहे थे, जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो चमड़ी उधेड़ देता है। हम दूसरे के लिए जीना नहीं सीख सकते, कितनी कैसी बात है ये। परसों रात को या कल रात को, कल शाम को सेशन के बाद मेरी टीम से लड़ाई हुई, लड़ाई एक तरफी लड़ाई, वो सब एक तरफ और मैं एक तरफ। किस बात की लड़ाई, कि आप लोगों को कैसे दिया जाए, वो भी इसी बात पे लगे हुए हैं और मैं भी इसी बात पे लगा हूं। कितने क्लाइंट हैं मेरे यहाँ पे, देवाशीष भाई बैठे हैं, पवन जी बैठे होंगे, मनीष जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनुराग जी बैठे हैं, इन लोगों ने कंसल्टेंसीज ली है। पूछिए कि आधे घंटे की कितनी कितनी फीसेज मैंने इन लोगों से ली है, माइक ऑन करके अभी पूछवाता हूँ, आधे आधे घंटे की इनके घर में विजिट करने की, इनको बताने की। मेरा पर्सपेक्टिव इस दुनिया को चेंज करने के लिए है। सॉरी अगर मैं आपके लायक नहीं हूं, आई एम लिटरली सॉरी। मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं बुद्ध की तरह तब तक सीखता रहूंगा जब तक सूख ना जाऊं। पेशेंस, 3 घंटे का पेशेंस, कुछ लोगों का फोन मेरे पास आता है, आई एम सॉरी जो भी है आप, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबके अपने भाव है, कुछ लोगों का फोन आता है, सर हम बिजी थे। एक साइंस जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है उसके लिए आप बिजी थे, आप वर्थफुल हैं इस कोर्स में बैठने के लिए, आपको झांकना पड़ेगा। एक एक टॉपिक पे, एक एक बात पर, एक बात को पुख्ता इतने लोगों के सामने बोलने के लिए रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, और आप, मैं बिजी था, मुझे रिकॉर्डिंग दीजिए। 3 घंटे एक हफ्ते में, 6 घंटे एक हफ्ते में आप लोग नहीं निकाल पाते। जिस साइंस की आप तवज्जो नहीं करते, वो साइंस आपको रिजल्ट देगी, आप ऐसा सोचो भी मत। मूर्खता है
सीरियसली मूर्खता है। जाओ जाके जैसे लोगों ने बेचा वैसे बेचो। अभी तक हजारों भेड़ें तैयार करी गई, आप एक भेड़ के पीछे हजार भेड़ों को तैयार कर दो और भेड़ को बोलो खाई में कूद जा, तो सारी 999 एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगी, एक नहीं चूकेगी और सब की सब खाई में कूद जाएंगी। ये भेड़ें तैयार करी गई हैं बाजार में लाखों रुपए लेकर, आप देख सकते हो अपने आसपास। मेरी तारीफ का या मेरे उसका वक्त या बात नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि जो मैं लोग तैयार करने निकला हूं वो लोग खुद तैयार होना नहीं चाहते। किसी सर्जन से मिलना कभी, जो सर्जन 24 घंटे सर्जरी करता हो, वो एक मरीज जो सबसे टॉप का सर्जन होगा, सबसे अच्छा सर्जन होगा, वो एक मरीज को भी इस तरीके से, एक एक मरीज को इस तरीके से काटेगा, इस तरीके से सीलेगा दोबारा, बिना ये सोचते हुए कि उसके घर में क्या टेंशन है। और मैंने बहुत मरीज देखे हैं जो एक छोटी सी नर्स की गलती से सर्जन का गला पकड़ लेते हैं। आपकी कार बाजार में जाते हो, किसी से गलती से लग गई, ब्रेक समय पर, उसके दिमाग में क्या टेंशन थी जो उसने गाड़ी ठोकी, कभी सोचते हो इस बात को? और जाकर गला पकड़ लेते हो, तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, कोई जानबूझ के भला किसी का एक्सीडेंट करेगा? सोचने की बात है। खैर, जिन लोगों को समझ है उनको रहेगी, जिनको नहीं है उनको नहीं आएगी। मेरा विचार आप लोगों को उन भेड़ों के बीच में डालने का नहीं है। मैं नहीं हूं उस भेड़ का पार्ट, ना मेरे से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो ये मैं चाहता हूं। 350 लोग, 270 लोग ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन मैसेज हैं, रहेंगे लोगों के 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई कैसे करें? कोई सोल्यूशन दीजिए, कैसे करें? ठीक है, मस्ती मजाक माहौल अच्छी बात है, आपको नहीं अच्छा लगता विद ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सेल्फ ओरिएंटेड लोग नहीं चाहिए। जो भी सहयोगी हैं पैसे दे के कोर्स करके बन रहे हैं, गेट लॉस्ट। दूसरों के लिए जी नहीं सकते यार आप। एक इंसान दूसरों के लिए जीने की बात नहीं कर सकता। Let it be. Done. दुनिया में हर बहुत तरीके के लोग हैं, ये किसी ने लिखा भी और मुझे भी पता है। मैं माइंड नहीं कर रहा, ना ही मेरे आहार पे, मेरे विचार पे, मेरे व्यवहार पे कभी किसी चीज का कोई इफेक्ट होता है, ना ही होगा। पर दुख सिर्फ एक बात का है, जिनके लिए आप करते हो वो खुद तैयार नहीं है। कल परसों एक भाई साहब आए, किसी भी कारण से बिना सेशन को देखे आ गए। सोचो, मतलब आप अपना 100% दे रहे हो किसी जगह पर बैठकर। आप पढ़ के आइए और हेल्दी डिस्कशन कीजिए, कितना मजा आता है। आप लोगों में से कोई भी निकलकर बाहर जाकर ये बात बोले कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक नहीं हूं, तो शायद उसको खुद को अंदर झांकने की जरूरत होनी चाहिए। अपने नाम सभी लोग सही करके रखिए ताकि मैं आंसर कर पाऊं। जो रूल्स हैं वो बार बार पढ़िए। ग्रुप में एक दूसरे के बारे में बोलना, एक दूसरे को जवाब देना, अपनी कोई मार्केटिंग करना, वहां पर मैसेजेस डालना, बिना टॉपिक से हट के किसी के बारे में बात करना, यहां पर बिना किसी नाम के आना, रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, सॉरी। आगे बढ़े, लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन।